हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द सन टैरोड सेवन 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 होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ मैं हूं आप सबकी टैरो रीडर तनुजा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने देख रखा होगा हु विल यू मैरी जो कि सुपर डिटेल फुल डिटेल में होगी ठीक है सो यहाँ मैंने पाइल वन रखा है पाइल टू दो पाइल होगी और रीडिंग के बारे में बता देती हूँ कि हम रीडिंग में सब कुछ जानेंगे लाइक आपके पर्सन का प्रोफेशन नेम इनिशियल उनका नेचर उनके फैमिली वाले इन लॉस कैसे होंगे ठीक है हनीमून प्रेगनेंसी की न्यूज़ तो जितना हो सके मैं ट्राई करूँगी और अगर कुछ छूटता है तो आप मुझे बता सकते हैं ठीक है और अगर कुछ ना पसंद आए तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए और हाँ उस गलती को ज़रूर बताएं ताकि मैं सुधार सकूँ ओके सो so, यहाँ पे जो पाइल है वो है वन से सिक्सटीन जिनका भी बर्थडे दे, डेट वन से सिक्सटीन के बीच में आता है ठीक है इस दिन पे पड़ता है सो वो पाइल वन सेलेक्ट करेंगे ओके दूसरा पाइल टू वो सेलेक्ट करेंगे जिनका सेवेंटी से थर्टी वन के अंदर बर्थडे आता है डेट ओके और मेनली जो है यहाँ पे मैंने जोरियक के लिए लिया है तो जूरियक साइन जो है पाइल वन है ठीक है जिसमें टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस ठीक है पाइल वन पाइल टू एरिस लियो सैजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिस तरह से हमेशा देती हूँ तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके क्लिक कर लेना अपनी पाइल सेलेक्ट कर लेना ओके okay? सो so ये जो है जूनियस साइन के थ्रू है अगर आप जोनियक्स साइन से नहीं सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसलिए मैंने ये और ये कार्ड रखी है ठीक है कार्ड जो है ये आपका पाइल वन के लिए है ऑफिशियल पर्सन जिसे पाइल वन सेलेक्ट करना होगा वो ऑफिशियल पर्सन को चूज़ करेंगे और जिसे पाइल टू सेलेक्ट करना है वो वेल्दी मैन को करेंगे ठीक है थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए देन ये आप पाए कार्ड को सेलेक्ट करिएगा ओके ऐसे नहीं मेडिटेट करके इंटरटिवली आपको जो पसंद आएगा कार्ड वही सेलेक्ट कीजिएगा ठीक है और ये जो आपकी रीडिंग होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी जब भी आपके सामने आएगी ये वैलिड रहेगी ठीक है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे कर ही जाएगी ये एनर्जी ओके okay? जब आपके सामने ये वीडियो खुलेगी तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लेके ही आएगी ना ऐसे तो नहीं आपके सामने आ जाएगी ठीक है सो बस मैं यही कहना चाहती हूँ टाइमलेस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले सिंगल्स और जो रिलेशनशिप में सब कोई देख सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करेंगे लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल ये छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मैंने जीमेल और इंस्टा दे रखा है यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आल्सो ठीक है सो so, अब हमें पार्ली की रीडिंग पे चलना चाहिए सो पार्लियवन होप कि आप अपने डेट को सेलेक्ट करके आए होंगे वन से सिक्सटीन के अंदर या फिर इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर अपने जो साइन को सेलेक्ट करके आए होंगे अपनी वीडियोस को देखें सो so चलिए आपके हम कार्ड्स ले लेते हैं सबसे पहले तो हम टाइरिक डिक के थ्रू देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं सो प्लीज एंड हेल्प मी गाइड मी फॉर माई ऑल व्यूअर्स और गिव मी एक्यूरेट मैसेज सभी के लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए ठीक है हो सकती है जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी से रिज्यूमेट ना करें ठीक है और कुछ ही रेजोनेट कर जाए हो सकता है किसी से बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर जाए सो so, अगर आप चाहते हो कि अपनी पर्सनल रीडिंग तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे अपनी अगर पर्सनल रीडिंग देखना चाहते हो तो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ओके सो okay. so, चलिए हम देख लेते हैं कार्ड्स लेते हैं ओके okay. काफ़ी अच्छी बात है आपके ड्रीम्स जो है पूरे होने वाले हैं वाओ सोल मेट डैट्स ग्रेट और देख लेते हैं कार्ड्स ओके फाइट्स ओके हार्ट ब्रोके ठीक है सो ये सारे कार्ड जो है आपके लिए आए हैं और हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं एक बार ही सारे कार्ड्स ले लेते हैं उसके बाद आपके गाइडेंस के लिए भी हम कार्ड्स लेंगे ठीक है सो लेट्स चेक इट आउट कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा नेचर उनका ये सफल मैं आपके सामने कर देती हूँ ताकि ठीक है ये ज़रूरी भी है आपके सामने होना चाहिए बिल्कुल ओके ये सारे हम देख रहे हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए ओके okay, कैसी रहेगी बाउंडिंग ये भी चीज हम देखेंगे इसमें से हम ये दो कार्ड लेते हैं ओके okay, ये भी आ रहे हैं तो हम इसे भी ले लेते हैं कुछ कार्ड और भी लेंगे इसके थ्रू ओके ऑल राइट ठीक है सो बन यहाँ पे मैंने सारे कार्ड्स आपके अरेंज करके ले लिए ठीक है तो ओवरऑल यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ तो आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ अच्छा रहेगा ठीक है इसमें कोई ट्रस्ट इशू नहीं दिखाई दे रहा है और साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा शाइन करोगे ठीक है मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे इस पर्सन के साथ रहोगे तो ठीक है देखिए जो आपके फ्यूचर पाउस होंगे और आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा तो आप दोनों के बीच में जो है सोलमेट का रिलेशन होगा काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि कैसा रिलेशन रहेगा कार्मिक ट्विन फ्लेम और सोलमेट ठीक है तो मैं बता देती हूँ कार्मिक तो वो रिलेशनशिप होता है जो कि ख़त्म हो जाता है ठीक है तो शादी तो वैसे ही नहीं हो सकती शादी तो लंबे समय तक चलती है ठीक है बाद में किसी किसी का डाइवोर्स हो जाता है लेकिन कोई कोई तो पूरी ज़िंदगी भर साथ रहते हैं ऑलमोस्ट सभी साथ रहते हैं ज़िंदगी भर ठीक है स्पेशली इंडिया में तो यहाँ पे बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता आपका ठीक है कार्मिक आप क्रॉस कर दो आपकी जो रिलेशनशिप है यहाँ पे सोलमेट की रिलेशनशिप है और जो रिलेशनशिप आपकी होगी मतलब कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो काफ़ी हारमोनीस शांति पीसफुल भरी और बहुत अच्छी होने वाली है ठीक है साथ साथ जो पर्सन अकेले हैं सिंगल है उनके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आप जल्दी ही अपने नए पर्सन और बहुत प्यारे पर्सन से मिलोगे जो कि आपके सोलमेट होंगे ठीक है इस पर्सन के साथ जो है जिससे आपकी शादी होगी जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उस पर्सन के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा यूनिटी होगी मतलब बहुत सारे लोग अगर ऐसा हो सकता है अगर फाइट करने आएंगे आप लोगों को अलग करने भी आएंगे तो कभी अलग नहीं हो पाओगे क्योंकि आप लोग सोलमेट हो ठीक है सो एक दूसरे को आप दोनों प्रोटेक्ट करोगे जितना आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे उतना आप भी अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करोगे उतना ही प्यार करोगे ठीक है दूसरी चीज़ लोग ये चीज़ देख के काफ़ी अप्रिशिएट भी करेंगे जैसे आपके फैमिली वाले रिलेटिव वाले बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोग बहुत प्यारे कपल हो हैप्पी कपल हो बहुत अच्छा लगेगा उन लोगों को देख के ठीक है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग पोटेंशियल सोलमेट हो ठीक है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नफरत करेंगे चलेंगे कि इन दोनों के बीच में इतना प्यार कैसे है ठीक है चाहे वो आपका अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो चांसेस यहाँ पे अरेंज मैरिज के ज़्यादा है ठीक है तो फिर भी जो है आप लोग एक सोलमेट हो गए तो आप खुश रहो और अपने पेरेंट्स को थैंकफुल पेरेंट्स के लिए थैंकफुल रहो कि आपके पेरेंट्स जो है आपके सोलमेट सबको मिलवाएंगे ठीक है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है आपके कंपनी को इंजॉय करेंगे हमेशा साथ।, साथ में अगर बूढ़े भी होंगे तो आपके बुढ़ापे को भी इंजॉय करेंगे पर्सन हो सकता है ये पर्सन आपको टी बना कर दे पकौड़े बनाकर कर ठीक है तो ये सारी चीज़ें होंगी ठीक है सो so, जिस तरह से लड़की, आज के लड़कों के वाले लड़कों वाले सारे काम कर सकती हैं तो उस तरह से लड़की भी लड़कियों वाले काम कर सकते हैं ना दैट्स इट ओके सो किसी का वैसे काम तो नाम पे फिक्स नहीं होता है लेकिन वैसे समाज ने बना दिया है तो बस मैं कह रही हूँ और साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है बाउंडिंग कैसी होगी तो बाउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी होगा ठीक है रोमांटिक होगा आप लोगों का बाउंडिंग बैलेंस्ड होगा ठीक है कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन है बहुत लोगों का पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है हो सकता है पास्ट में भी आप लोग सोलमेट्स रहे हैं और फिर इस जन्म में भी आप लोग मिले हैं और मैरिज करने वाले हैं ठीक है दोनों ही एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करोगे ये चीज भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है ठीक है आप लोगों की शादी से ना ये दिख रहा है कि बहुत लोग खुश रहेंगे ठीक है बहुत खुशी होगी सभी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा ठीक है रोमांटिक रिलेशनशिप होगा मतलब लोग सोचेंगे आपके पेरेंट्स सोचेंगे रिलेटिव सोचेंगे कि मतलब शादी करवाई और इन्होंने you know, तो बिल्कुल लव मैरिज में इस चीज को चेंज कर दिया ठीक है तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेल्दी दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप आपका ओके तो मैंने ये बता दिया आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस लविंग बैलेंस्ड रहेगा ठीक है और ये पर्सन जो है आपको बहुत सपोर्ट करेंगे म्यूचुअली सपोर्टिव होंगे ये पर्सन जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ये पर्सन भी आपको सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है कि तुम जितना सपोर्ट कर रही हो तो मैं भी उतना ही सपोर्ट करूँगा ऐसा कुछ नहीं है ये कहना चाह रही हूँ कि सोलमेट तो हो तो इक्वल होगा यहाँ पे सब कुछ ऐसा दिख रहा है कि इक्वल होगा ठीक है हमेशा जो है ऐसा दिख रहा है कि अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करोगे क्योंकि आप दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी तो नहीं होगा है, ठीक है ये चीज़ है और तो कनेक्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप दोनों के बीच का ठीक है वैल्यू एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करोगे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है सो so, जो कुछ भी होता है ना लाइक सोलमेट वाला जो कुछ भी कनेक्शन होता है सो so, आपको पता होगा कि सोलमेट क्या होते हैं ठीक है सोलमेट के साथ हमें ऐसा फील होता है अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जब हम अपने सोलमेट के साथ रहते हैं सोलमेट से मिलते हैं ठीक है तो उससे मिलने के बाद ना कुछ अलग सा ही हमारा फीलिंग होता है ठीक है पॉजिटिव तो होता है लेकिन वो पॉजिटिव से भी बहुत ज़्यादा हाई होता है हम इस पर्सन से इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं इस्परिचुअली इमोशनली मेंटली हर तरीके से कनेक्ट होते हैं इस पर्सन से हम अपनी बात नहीं छुपा सकते इस पर्सन पे हमें चाह कर भी ऐसा नहीं होता है कि हमें ट्रस्ट इशू हम ट्रस्ट करते हैं ठीक है हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शुरू में होता है अफकोर्स कोई भी इंसान है तो शुरू शुरू में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने पर्सन पर फुली ट्रस्ट करोगे यू कैन सी हीयर ठीक है तो सोलमेट के कनेक्शन यही होते हैं कोई भी बात जो है कभी छुपा नहीं सकते हो सोलमेट ऐसे होते हैं जिसके साथ आप रहोगे तो कभी भी आपको अकेला फील नहीं होगा कभी नहीं सोलमेट्स यही होते हैं ना ठीक है तो इस पर्सन के साथ आपको कभी अकेला फील नहीं होगा ऐसा कोई वैल्यू करे या ना करे कोई आपका इंतज़ार करे या ना करे कोई प्यार करे या ना करे आपके सोलमेट जो है हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपको सारी चीज़ों सारी चीज़ देने के लिए ओके ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ साथ साथ यहाँ पे बहुत अच्छे इंडिकेशन है कि अगर लाइफ में आगे कुछ आप करना चाहोगे तो आप इजीली कर सकते हो इस पर्सन से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा ठीक है ऑल राइट ये सारी चीज़ें यहाँ पे है और एक चीज़ है जो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोल का कार्ड भी आया है तो कंट्रोलिंग नेचर के थोड़े हो सकते हैं ठीक है और एक यहाँ पे एक चीज़ और आ रहा है अब्जॉर्व का तो अगर आप अपने लाइफ में कभी भी रिलेशनशिप में आते हो या शादी करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी सोलमेट मान के शादी कर लो नहीं मतलब दो मीठी अगर बात कर लेता है दैट डजेंट मीन कि वो आपके सोलमेट होंगे ठीक है आपको समझना पड़ेगा उस पर्सन से आप मिलोगे बात करोगे तो उस पर्सन के बात करने का तरीका लहजा सब चीज़ अलग होगा ठीक है और उ, कुछ अलग ही सवाइव आपको आएगा उस पर्सन के साथ बैठ कर बात करके टाइम स्पेंड करके ओके सो so, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत पहले ही चल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा शांत रहते हैं अच्छे नेचर के हैं ठीक है ठीके? इनको पीस पसंद है ठीक है और शांति से रहना बहुत ज़्यादा पसंद है ज़्यादा हल्ला ये सारी चीज़ें पसंद नहीं ठीक है म्यूज़िक इनको अगर पसंद आएगा तो वो भी लाइट म्यूज़िक पसंद आती होगी ठीक है so, सो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो आपके पर्सन है सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों का जो भी विशेज़ है वो सारी चीज़ें पूरी पूरी होने वाली हैं तो ये मैसेज जो है ना मैं उन लोगों को स्पेशली देना चाहूँगी जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और शादी करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को मनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि पेरेंट्स मान जाए इट मीन्स कि आपके जो विशेज़ है वो जल्दी ही पूरे होंगे ठीक है साथ साथ जो मैरिड लाइफ के लिए आप चाहते हो वो सारी विशेज़ भी आपकी पूरी होगी आपकी मैरिड लाइफ में ठीक है ये पर्सन जो है आपको हर चीज़ देंगे हर तरह से फुलफिलमेंट मिलेगा प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस का कार्ड है ये ठीक है तो इट मीन्स इस पर्सन से आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ठीक है ये पर्सन आपको फोर्स नहीं करेंगे कि तुम्हें काम करना चाहिए तुम्हें पैसे कमाने चाहिए ऐसा कुछ नहीं है अगर आप नहीं भी करोगे तो ये पर्सन एनफ है बहुत ज़्यादा कमाते हैं और बहुत रिच है ठीक है साथ साथ मैं ये बता दूँ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करते हैं यहाँ पे ये कार्ड आया है तो ये पर्सन जो है चैरिटी करने में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखते हैं इस पर्सन का नेचर बहुत शांत है और बहुत हसमुख खुशी वाला नेचर है इस पर्सन का ठीक है जिस तरह से ये खुश रहते हैं सामने वाले को भी खुश देखना चाहते हैं और अपने जिससे प्यार करते हैं जैसे घर के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ठीक है तो उस बच्चों को बहुत लाड प्यार दुलार देते हैं तो इस तरह से ऐसा दिख रहा है जिस पर्सन से ये प्यार करेंगे उसको बहुत खुश रखेंगे ठीक है उसकी हर चीज़ को पूरा करेंगे और हमेशा ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि उसको कैसा कैसे खुश रखना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपकी पसंद करेंगी और करेंगे ठीक है इस पर्सन के साथ आपका जो सेल्फ स्टीम है वो काफ़ी हाई रहेगा काफ़ी प्राउड फील करोगे और हर एक टाइम को जो है आप इंजॉय करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो ये पर्सन साथ साथ रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा है ओके डेटिंग वगैरह पे ले जाना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा ठीक है अपने हाथों से हो सकता है ये पर्सन आपको खिलाएंगे तो रोमांस के बारे में बात की जाए रोमांटिक मूड के बारे में इसका बात की जाए इस पर्सन की तो काफ़ी ज़्यादा है ठीक है काफ़ी ज़्यादा हाई है इस पर्सन का ओके okay? ये पर्सन जो है हमेशा आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे ऐसा नहीं है कि किसी और को देख लेंगे कोई बहुत खूबसूरत पर्सन को देख लेंगे तो उनके पास चले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है आप जो है इनके लिए हमेशा परफेक्ट होगे सबसे खूबसूरत होगे क्योंकि जो सोलमेट होता है वो सोलमेट होता है ठीक है उसके बाद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है अब जिसको फिजिकली अपने आप को सेटिस्फाइड करना है तो वो तो किसी को भी चेंज करते रहेगा वो तो अलग बात हो गई तो वो तो इंसान ही नहीं है, जीव इंसान है ठीक है लेकिन सोलमेट बहुत अलग होते हैं उनका जो रिलेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है वो जब मिल जाते हैं ना तो फिर उन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ठीक है चाहे कैसे भी हो ओके तो आप लोगों का कनेक्शन अच्छा है ना बस शादी नहीं है सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सोलमेट हो ठीक है तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका जो भी ड्रीम है सपना है वो सारी चीज़ें पूरी होगी पॉजिटिविटी आएगी जितना भी आपने हार्डशेप मेहनत किया है ठीक है सौरों देखा है पेन देखा है हो सकता है शादी आपकी नहीं लगती थी तो हो सकता है लग जाएगी आप रोते थे कि क्यों रिजेक्शन मिल जाता है आई नो कि बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन मिलता है तो बहुत बुरा लगता होगा लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार बहुत सब कुछ चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है जॉयफुल आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है और फुलफिलमेंट हर चीज़ की होती हुई दिखाई दे रही है ठीक है तो इससे ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा उसमें हर वक्त हर समय क्या होगा खुशी होगी हैप्पीनेस होगा ठीक है जॉयफुलनेस होगा फुलफिलमेंट होगी हर चीज़ की ठीक है और इन सब का ख्याल आपके पर्सन रखेंगे इन लॉज भी वहाँ के अच्छे होंगे लेकिन थोड़ा सा आपको जो है उस ऐसा हो सकता है कि इन लॉज आपको थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे होता है जब बाहर के से थोड़े से लोग आते हैं तो उस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हाँ धीरे धीरे जब आप घुल मिल जाओगे तो फिर एडजस्ट हो जाओगे आप वहाँ के मेंबर बन जाओगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर लव एंड रिलेशनशिप मैरिड लाइफ की बाउंडिंग के बारे में बात की जाए तो ये पर्सन जो है इस पर्सन का कमिटमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा ठीक है काफ़ी अलग टाइप का कमिटमेंट होगा वो बहुत बड़ा कमिटमेंट होगा छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं होगा ठीक है और ये ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है अगर कोई मैरिड पर्सन देख रहे हो तो उसके लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ सकती है अगर किसी ने किसी का देखा देखी हो चुका है ठीक है कोई देख चुके हैं अपने लिए पर्सन तो उनका इंगेजमेंट हो सकता है मैरिज की इंडिकेशन ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है इंडिकेशन दिखाई दे रहा है ठीक है सो so, यहाँ पे ना हर चीज़ अच्छा दिखाई दे रहा है हर एक स्टेज पे अगर हम जाते हुए देख रहे हैं तो हर एक हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है ठीक है तो आपका जो अगर शादी का फर्स्ट स्टेज भी होगा तो वो भी बहुत अच्छा होगा तो हर स्टेप जो है अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों साथ में जो है कनेक्ट तो बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहोगे साथ साथ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड रहेगा आपका ठीक है दिमाग हमेशा शांत रहेगा इमोशनली जो है बहुत फ्रीडम होगा शांत रहोगे और इमोशनली मेच्योर भी रहोगे ठीक है तो फ्यूचर जो आपका मैरिड लाइफ है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है इस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मिलेगा क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं खुश रहते हैं तो अगर आप दुखी हो ना और सामने वाला बहुत खुश है तो वो आप उस पर्सन के साथ रह कि खुद ही खुश हो जाओगे ठीक है और अब आप भी खुश और आपके पर्सन भी खुश है ऐसा तो दिखता है कि सोलमेट का लगभग सिमिलरली ही फीलिंग्स होती हैं ठीक है तो आप भी खुश रहोगे और आपके पर्सन भी खुश रहेंगे तो सोचो कितना अच्छा घर का माहौल बना हुआ रहेगा ठीक है तो आपका रिलेशनशिप मैं कह सकती हूँ सब कुछ है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो ये है कि हेल्दी है ठीक है हर तरीके से ओके okay? और सबसे बड़े इंडिकेशन है यहाँ पे कि आप जो है कोई नए नए पर्सन से मिलोगे ठीक है अगर कोई रिलेशनशिप में है उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप में है समझ में नहीं आता है क्या करना है तो आप जो है आप डिवाइन पे यूनिवर्स पे सारा चीज़ छोड़ दो ठीक है क्योंकि कोई ऐसा पर्सन जो है आपके लाइफ में आ रहा है जो आपका सोलमेट होगा तो फिर क्यों परेशान हो रहा है कार्मिक रिलेशनशिप के लिए ओके okay? क्योंकि वो जो रिलेशनशिप आप चल रहे हो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो सिर्फ आपके लाइफ में सिखाने को ही आया है आपको ठीक है सिखा कर वो तो चला ही जाएगा नहीं रुकेगा ठीक है सो तो आपका जो ये पास्ट का एक्सपीरियंस होगा उससे लर्न करोगे बहुत सारी चीज़ें सीख कर आगे जो पर्सन आने वाले होंगे उसके साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही है ये मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से ठीक है सो so, अब यहाँ पे जो आपका है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मैं ज़रा हाथ में ले लेती हूँ सो so, यहाँ पे जो है आपका सिक्स ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बताता है इस पर्सन का काफ़ी दयालु नेचर को दिखाता है ठीक है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा दयालु है ठीक है लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बहुत हेल्प करते हैं ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन है ऑलरेडी बहुत पहले से हो सकता है इनके घर में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग हैं जो भगवान को हाइयर पावर को मानते हैं ठीक है काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी देने वाले पर्सन है घर में भी लोग देखते होंगे तो बोलते हैं कि हाँ हर एक बच्चे को इक्वल मानता है हर एक पर्सन को ये पर इक्वल मानता है हाँ लेकिन माँ का पोजीशन बिल्कुल अलग होगा ये माँ को बहुत ज़्यादा मानते होंगे ठीक है माँ का पोजीशन कोई कंपेयर नहीं है वो सबसे हाई ही होता है ठीक है दूसरी बात ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा काइंड kind है काइंडनेस कुट कुट कर भरा है इस पर्सन में ये पर्सन शेयरिंग करता है, ठीक है शेयरिंग यही हुआ चैरिटी डोनेशन वगैरह ये पर्सन लोगों को सपोर्ट करते हैं लोगों को सिखाते हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है तो ये पर्सन टीचर भी हो सकते हैं हीलर भी हो सकते हैं काउंसलर भी हो सकते हैं ठीक है थेके? प्रोफेसर भी हो सकते हैं ओके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन के पास कुछ हायर अथॉरिटी है पावरफुल पर्सन है तो हो सकता है कि ये जज वगैरह भी हो ठीक है सो so, अब देखते हैं आपके बाउंडिंग के बारे में इस कार्ड के थ्रू तो ये पता चल रहा है कि ये पर्सन के साथ आप रहोगे तो आपको कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे ना गिफ्ट की कमी होने देंगे जिस तरह से ये बाहर बाहर में चैरिटी करते हैं तो डेफिनेटली ये अपने फैमिली मेम्बर को भी गिफ्ट्स देना बहुत पसंद करते होंगे और आपको तो बिल्कुल गिफ्ट से भर देंगे ठीक है ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक दूसरी चीज़ ये जो पर्सन है हमेशा अपनी बातों को शेयर करेंगे हो सकता है कहीं जॉब करके आ रहे हैं या बिज़नेस करके आ रहे हैं तो जो कुछ भी होगा तो वो आपके साथ बैठेंगे कॉफ़ी पियेंगे या कुछ भी लाइक ग्रीन टी ठीक है कुछ हेल्दी ही बोलूँगी मैं ग्रीन टी पियेंगे तो सब कुछ ये पर्सन आपके साथ बैठ कर शेयर करेंगे ठीक है बहुत ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ हर वक्त टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे ठीक है आपका आपके कंपैटिबिलिटी को आपकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे ठीक है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है बहुत मेहनत करते हैं और बिल्कुल लॉयल पैसा कमाते हैं ठीक है फेथफुल पर्सन है हर चीज़ में लॉयल है ऐसा नहीं कि बस लॉयल आपके लिए रहेंगे काम भी करते हैं तो बिल्कुल लॉयल्टी के साथ करते हैं ठीक है अगर एक पर्सन एक चीज़ में लॉयल है और दूसरी चीज़ में लॉयल नहीं है तो फिर वो लॉयल नहीं हो सकता है क्योंकि उन उस पर्सन का दिल जो है उसमें खोट निकल जाएगा ठीक है so, सो ये सारी चीज़ें हैं सो so, अब हम और देखते हैं और क्लियर करते हैं मैसेजेस सो इससे जो है ये इन्फॉर्मेशन आता है कि ये जो पर्सन है हमेशा जो है रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे इन पर्सन का ये चीज़ पे फोकस रहेगा कि कैसे भी जो है रिलेशनशिप को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना है टूटने नहीं देना है क्योंकि ये जो पर्सन है आपको बहुत वैल्यू करेंगे और डेफिनेटली प्यार तो बहुत रहेगा क्योंकि आपके सोलमेट है सो so ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे ठीक है इसलिए आपसे अच्छा व्यवहार भी करेंगे इनका व्यवहार आपके लिए बहुत अच्छा होगा काइंड होगा सॉफ्टली बात करेंगे सॉफ्ट हर्टन मैन है ठीक है आपसे भी और बाकी सारे लोगों से भी काफ़ी अच्छे से ये पर्सन बात करते हैं ठीक है और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इनको पसंद करते हैं ठीक है थीके? क्योंकि इनका नेचर जो है ना वो काफ़ी काइंड है काफ़ी जेनरस टाइप के पर्सन है और ये हर एक लोगों के लिए काइंड है ठीक है तो इट साफ आपके लिए सोचिए कितने काइंड रहेंगे ये थीके? और इनका फोकस जो है हमेशा रहेगा रिलेशनशिप पर उसमें कैसे पॉजिटिविटी लाना है बच्चों को कैसे रखना है अच्छे से रखना है ठीक है दूसरी बात ये पर्सन हमेशा बैलेंस बना के रखेंगे बहुत सारे लोग जो है शादी कर लेते हैं लेकिन उनकी रिलेशनशिप में बैलेंस ही नहीं होता है मैंने खुद देखा है कभी वो उसको हर्ट करते हैं कभी वो उसको हर्ट करता है ठीक है लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये पर्सन का जो है शायद पहले बहुत ज़्यादा दिल टूटा है किसी ने दिल तोड़ा है किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें आजकल कॉमन हो गई हैं रिलेशनशिप में होना ठीक है तो इससे जो है एक चीज़ हम लर्न ही करते हैं सीखते हैं तो हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में रहे हैं जिससे बहुत बहुत बुरी तरह धोखा मिला है ठीक है सो so, अब ये समझ चुके हैं कि किसी एक पर्सन को धोखा देने से जो सच में प्यार करता है बहुत उसको कैसा फील होता होगा ठीक है काफ़ी ज़्यादा अकेले टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दिए हैं लेकिन इन सारी चीज़ों से ये पर्सन निकले भी ठीक है निकल गए फाइट दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा लाइफ में फ़ाइट किए स्ट्रगल करके आगे बढ़ें लेकिन अब जो है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच है ठीक है हो सकता है पहले बहुत रिच नहीं हो लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि ये लोग काफ़ी अच्छे स्टेटस के लोग दिखाई दे रहे हैं हाई स्टेटस के लोग दिखाई दे रहे हैं ठीक है और ये सब जो है इनके बदौलत ही हुआ है ओके okay, तो आपकी जो फैमिली होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और उनका जो सोसाइटी में वो भी बहुत अच्छा स्टेटस होगा ठीक है सो तो पाइल वन अब यहाँ पे आप याप 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 देख रहे हो अपने कार्ड को नाइन ऑफ पेंटिकल्स ठीक है तो इससे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप स्पेशली मेल अगर देख रहे हो फीमेल के तो मैं बताना चाहूँगी कि आपकी पर्सन जो होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहने वाली है उनको फ्रीडम पसंद है ठीक है उसी तरह जो है फीमेल देख रही हो मेल के लिए तो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे बहुत फ्रीडम इनको पसंद होगा ठीक है ये प्यार करेंगे आपके सोलमेट हैं लेकिन इनको फ्रीडम बहुत प्यारा है ठीक है हो सकता है आप किसी चीज़ में रोको टोको तो ये पसंद ना करें उस चीज़ को तो ये चीज़ मैं मैंने आपको बता दिया ठीक है और बाकी सारा चीज़ इस पर्सन का अच्छा है फाइनेंशियल स्टेबल है सक्सेसफुल है ठीक है इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है अमीर दिखाई दे रहे रिच दिखाई दे रहे हैं अबंडेंस इनके लाइफ में दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक इन्वेस्टर हो सकते हैं और फ्रीडम तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा फ्री रहना इनको पसंद है ओके मेच्योर पर्सन है और डाउन टू अर्थ भी है ठीक है और सुंदरता की बात की जाए खूबसूरती की बात की जाए लुक के बारे में तो लुक इस पर्सन का बिल्कुल ए प्लस प्लस होगा ठीक है ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑलराइट अब हम देखते हैं कि इस पर्सन का रहन सहन कैसा है तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं हार्ड वर्क करते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस पर्सन को अपने ऊपर ये चीज़ दिखाई दे रही है ठीक है इन्होंने सब कुछ अपने बदौलत खड़ा किया है एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है तो ये सारी चीज़ों का इस पर्सन को थोड़ा प्राइड है ठीक है प्राउड फील करते हैं खुद पे कि मैंने सारा कुछ अपने से ही बिल्ड किया है ठीक है अपने लाइफ में ओके ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट वूमेन दिखाई दे रही है खूबसूरत वूमेन है ये पर्सन सोफिस्टिकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये पर्सन है ठीक है चाहे मेल हो या फीमेल हो जिसके लिए भी आप देख रहे हो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है सोफिस्टिकेटेड है ठीक है रिलेशनशिप में क्या चीज़ें ये देंगी तो फुल कमिटमेंट देंगी आपको भी फ्रीडम मिलेगा जिस तरह से इसको फ्रीडम पसंद है उस तरह से ये भी आपको फ्रीडम देंगी क्योंकि जो चीज़ इस पर्सन को पसंद है ना तो उस चीज़ की इस पर्सन को वैल्यू भी पता है इसलिए आपको भी फ्रीडम मिलेगा ठीक है दूसरी बात कंट्रोल ये पर्सन करेंगे आपको लेकिन तब करेंगे जब इस पर्सन को लगेगा कि हाँ ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है गलत है तो उस वक्त ये पर्सन डेफिनेटली एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ आपको रोकेंगे और इनका हक बनता है ठीक है सो so, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जितने ड्रीम्स होंगे वो सारे कंप्लीट होंगे हो सकता है आप अपने ड्रीम्स को गोल को आगे कंप्लीट करोगे ठीक है आगे चल के कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो बिजनेस इन्वॉल्व बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओगे और अपना करियर को है बिल्ड आप लोग डेफिनेटली करोगे ठीक है मैं भी बोलूँगी कि अपने जो करियर को कभी नहीं छोड़ना आपका जो भी सपना है उसको कम्प्लीट जरूर करना आपकी पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एलिगेंट है ग्रेसफुल है ब्यूटीफुल है सोफिस्टिकेटेड so, है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिस्ट है ठीक है so, सो इनको स्टाइलिस्ट कपड़ा पहनना ईर रिंग्स पहनना ठीक है लाइक रिंग पहनना और जो भी मेल का होता है वो सारी चीज़ें पहनना इनको बहुत अच्छा पसंद है ठीक है ब्रांडेड ड्रेस पहनना और ब्रांडेड सैंडल्स हो गए शूज़ हो गए वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और ब्लैक कलर इस पर्सन को पसंद हो सकता है ये भी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड के होते हैं इस पर्सन को ब्लैक येलो रेड ग्रीन ये सारी कलर पसंद है ठीक है और ग्रीन में डीप ग्रीन और ब्लू में डीप ब्लू ठीक है ऑल राइट और इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है ये भी चीज़ है देखो तो आप जिस जिस तरह का पर्सन चाहते हो बिल्कुल उस तरह के ये पर्सन आपको मिलेंगे ठीक है ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके शादी के बाद कोई जगह जो है खरीदेंगे प्लेस खरीदेंगे या फिर हाउस खरीदेंगे ठीक है ऐसा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हो सकता है उस पर आपके लिए कुछ घर वगैरह बनवाएँ तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ओके स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फुल कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में मैरिड लाइफ में होगा ठीक है सो so, अब यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है फोर ऑफ़ पेंटिकल्स ठीक है ये पर्सन जो है पैसे की वेल्थ की वैल्यू समझते हैं ठीक है तो इस पर्सन को पता है कि कहाँ पैसा खर्च करना है कहाँ नहीं खर्च करना है तो ऐसा कह सकती हूँ कि पैसे को थोड़े से सेव करके दबा कर रखते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि कोई भी आता है तो निकाल कर दे देते थे, नहीं ये आप ये भी तो देखो ये पर्सन चैरिटी करते हैं अगर ये पर्सन कंजूस होते तो शायद चैरिटी भी नहीं करते लेकिन हाँ ये पर्सन जो है जहाँ ज़रूरत होता है डेफ़िनेटली ये पर्सन देते हैं लेकिन गलत जगह पे ये खर्च नहीं करते ला लाइक शराब वगैरह पीना ये वाइन पीना सिगरेट पीना ठीक है फालतू तो चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते है वेस्ट नहीं करते वो तो इन्वेस्ट में हमें कुछ मिलता है ना ये तो वेस्ट हो गया ठीक है तो ये बेस्ट नहीं करते उल्टा इस पर्सन का काफ़ी अच्छा डाइट है ठीक है काफ़ी डिफरेंटली अच्छे तरीके से रहते हैं जिस तरह से एक पर्सन को रहना चाहिए अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहिए ठीक है ये पर्सन हेल्दी है वेल्दी तो है साथ साथ हेल्दी भी है ठीक है और ये पर्सन अभी शायद अकेले हैं कोई है नहीं इनके लाइफ में ओके और हो सकता है इस पर्सन का कुछ पास्ट हो ठीक है जो कि वो होल्ड करके रखेंगे आपको नहीं बताएंगे ठीक है ये हो सकता है हो सकता है कि आप बहुत टाइम हो जाए टाइम बीत जाए तो कभी आपको बताए लेकिन इस पर्सन का कुछ पास्ट होगा जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पर्सन को तो हो सकता है आपके पर्सन ना बताए लेकिन मैं तो बता दे रही हूँ ना <laughs> कि आपके पर्सन का कुछ पास्ट होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट करेंगे ऐसा नहीं बस वो आपको नहीं बताएंगे क्योंकि रिलेशन ख़राब ना हो जाए क्योंकि नया नया रिलेशन है तो पास्ट के बारे में जानकर क्या करना है जब आपको फ्यूचर में जाना है तो उस पर्सन के साथ है ना तो बस आप ये सारी चीज़ें सोचो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है आप लोगों की बाउंडिंग होगी ये पर्सन पूरी तरह से हेल्प करेंगे हर चीज़ में ठीक है आपको जो भी अगर कोई ऑब्स्टिकल्स कोई भी प्रॉब्लम आता है बीच में तो ये पर्सन हटाएंगे दूसरी चीज़ ये पर्सन कंट्रोलिंग नेचर के मैंने बताया है और अभी इस कार्ड के थ्रू ये भी पता चल रहा है ये पर्सन थोड़े जालेसी नेचर के हैं ठीक है तो हो सकता है कि आपको रोकेंगे नहीं पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए ठीक है किसी भी फील्ड में जाने के लिए लेकिन हाँ ये हो सकता है कि आप अपने ओपोजिट जेंडर से बात करते हो तो इस पर्सन को तकलीफ़ होगी डेफिनेटली ठीक है बहुत जल्द फील करेंगे पॉजिटिव है आपको लेकर काफ़ी आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे डेफिनेटली रहेंगे क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं ठीक है सो so, इस पर्सन से डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन थोड़ा सा जो मिलेगा वो ये है अगर आपको पसंद है तो ठीक है अच्छी बात है कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर पॉजिटिव रहेंगे बहुत ज़्यादा आपको शायद उप, अपने अपोजिट जेंडर से बात ना करने दें ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन हाँ ये पर्सन जो है आपको खुश रखेंगे ठीक ऐसा नहीं कि मारा पीटी ऐसा <laughs> नहीं कि ये पर्सन आपके साथ मारा पीटी वगैरह करेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है आपको खुश रखेंगे और अभी यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है फोर ऑफ कप्स ओके सो फोर ऑफ कप्स से ये भी यही पता चलता है कि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली चैरिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं साथ साथ इन्हें जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं ठीक है सो so, अगर देखा जाए देखो यहाँ पे जो ये कार्ड है ना उससे ये पता चलता है ट्रैवल का तो हो सकता है आप लोग ट्रैवल करोगे उतना तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स जो है मैसेज ऐसा नहीं दे रहे कि आप लोग ट्रैवल करने जा रहे हो कहीं ठीक है तो हो सकता है आप लोग यहीं अपने फैमिली के साथ ही रहोगे ठीक है so, सो हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करो फॉर हनीमून लेकिन आप लोग शिफ्ट कहीं नहीं होगे ठीक है आप लोग रहोगे यहीं और इस कार्ड okay. के थ्रू कुछ इंटरेस्टिंग बात आपके पर्सन में निकल के आती है वो ये है कि आपके पर्सन जो है जब आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाओगे बात करोगे साथ में रहने लगोगे तो ये पर्सन के बारे में पता चलेगा कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश नेचर के हैं ठीक है थीके? जिस तरह से चाइल्ड तो पसंद है और चाइल्ड भी रहते रहते चाइल्डिश नेचर के हो गए ठीक है तो ये चीज़ आपको मिल सकता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन इसके साथ भी ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है सपोर्ट करेंगे ठीक है और अपने बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये रखने वाले हैं ठीक है ठीके? तो फैमिली इन लॉज के बारे में देखें तो इन लॉज से भी आपको सपोर्ट मिलेगा लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा वन मंथ टू मंथ लगेगा आप एडजस्ट कर जाओगे और ऐसा भी नहीं कि कोई आप दुश्मन दिखाई दे रहा है जो आपसे वहाँ पर जलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है सो तो यहाँ टैरो टेक के थ्रू देखा अब हम देखते हैं ये सारे कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस दे रहे हैं ओके सो so, यहाँ पे जो आपका पहला कार्ड आया है वो है जस्ट प्रीत का यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कभी लाइफ में आगे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो वो जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी बस सोच से रिलेटेड होगी ठीक है आप जो है अपने मन में बहुत सारी सोच बना लोगे अपने पर्सन के लिए ये पर्सन गलत है या चीट कर रहा है लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है ट्रस्ट का ठीक है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको फुल ट्रस्ट अपने पर्सन पे रखना चाहिए आप रख सकते हो ठीक है क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी होंगे ठीक है उस लायक है वो डिजर्व करते हैं ट्रस्ट के लिए तो आप ट्रस्ट रख सकते हो कभी कभी इशू हो सकता है हो सकता है इस फैमिली के साथ आपका इशू हो जाए तो ये पर्सन आपको अच्छे से समझाएंगे हैंडल करेंगे दूसरी चीज़ यहाँ पे है रिसेट रिकन्सिडर हो सकता है कभी इस पर्सन के साथ आपका इशू हो तो ये पर्सन डेफिनेटली हमेशा आपके पास आएंगे ठीक है सब कुछ ठीक करने के लिए पहले की तरह ये चीज़ है ड्यू वायटलिटी जब ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका मैरिड लाइफ में ठीक है सो जब हो सकता है कि शादी होके जाओगे तो इस पर्सन के साथ आपका बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ का नहीं दिखाई दे रहा है काफ़ी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन होते तो हुए दिखाई दे रहा है ठीक है आपके रहने का तरीका आपके ड्रेसिंग सेंस में ये सारी चीज़ों में हो सकता है चेंजेस आए ठीक है हर एक छोटे से छोटे से और बड़े से बड़े चीज़ों को लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में चेंजेस आते हुए दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है सो जब भी आप कभी प्रॉब्लम में रहोगे ना तो आपकी हीलिंग हो जाएगी और काफ़ी जल्दी होगी ठीक है ये जो है ब्लेसिंग आपके साथ है एंजल्स के द्वारा सिंपली लव ओके ये पर्सन जो है काफ़ी लवेबल है बहुत प्यार करते हैं बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इस कार्ड के थ्रू ये पता चलता है कि आपके बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार रहेगा ठीक है और यहाँ पे ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि वहाँ के जो बच्चे होंगे जिनसे आप शादी करके जा रहे हो वहाँ के जो बच्चे सब होंगे उनसे आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रह सकता है ओके यहाँ मूव का कार्ड आए और ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है ठीक है जिस तरह से कभी हो सकता है इशू हो तो ये जो है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ठीक है ठीक है आपके पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बनी रहे लेकिन आपको भी जो है पूरी तरह अपना एफर्ट लगाना होगा एक्शन लेना होगा यहाँ पे ये कार्ड जो है ना सिर्फ एक्शन 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 को दर्शाती है मतलब है जो अपने लाइफ में आपको कभी भी किसी एक्शन को नहीं छोड़ना है चाहे वो आपको काम ही हो उसको भी नहीं छोड़ना है ठीक है अगर आप एक आप सोच कर देखो अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो तो वैसे इंसान होने का क्या फ़ायदा ठीक है तो हर एक इंसान का एक लाइफ का पर्पस होना चाहिए ठीक है और ये चीज़ आप डिज़र्व भी करते हो जो जो कुछ भी आप करोगे डेफिनेटली वो आप पाओगे ही ठीक है ये यहाँ पे इंडिकेशन है सो तो आप जो है अगर एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप चाहते हो तो उस पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा अपने करियर के लिए कुछ चाहते हो तो उस पर भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा काम करना पड़ेगा ठीक है तो आप इज़िली सक्सेसफुल हो जाओगे कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने इंट्यूशन को सुनना ठीक है उसको अब्जोल्व करना देखना कि क्या कुछ चल रहा है ठीक है बस ऐसे ही बेवजह अपने पर्सन से कभी फ़ाइट मत करना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है ठीक है और अपने यहाँ पे एक चीज़ है कि अपने एंगर को भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश है ठीक है साथ साथ ये भी मैंने बता दिया कि आपके पर्सन जो है पॉजिटिव होंगे जैलसी नेचर के होंगे ठीक है आपसे कोई अगर ओपोजिट जेंडर का बात करता है उनके जेंडर का वही बात करता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा ख़राब फील होगा ठीक है लेकिन आपकी लाइफ में मे भी प्रॉब्लम हो कुछ इश्यू हो ठीक है सोलमेट्स के साथ भी हो सकता है कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए लेकिन आपकी और आपकी रिलेशनशिप की हमेशा हीलिंग होगी ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन अलग हो जाएंगे आपसे नहीं डेफिनेटली आपके साथ ही रहेंगे और रिलेशनशिप में एफर्ट लगाएंगे और आप भी मुझे पता है मुझ पर यकीन है मुझे यकीन है आप पे कि आप जो है आप भी फुल एफर्ट लगाओगे अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ठीक है सो so ये सारी चीज़ें हैं आपके मैरिज के लिए सो so हम और भी क्लियर कर लेते हैं कैसा रहेगा है आपका बाउंडिंग आपके पर्सन के साथ सो लेट्स चेक इट आउट सो प्लीज़ एंड हेल्प मी गाइड मी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को रीडिंग कैसा लगता है क्या कुछ इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है और क्या कुछ है जो रिमूव करने की ज़रूरत है ये भी आप बता सकते हो और क्या कुछ है जो सबसे अच्छा लगा आपको ओके okay. ये आप बता सकते हो सोलमेट ओके सो मैं बहुत देर से बोल थी आप लोग सोलमेट हो इससे भी पता चलता है इस कार्ड के थ्रू और इससे भी आप देख रहे हो सोलमेट है और सोलमेट का जो पर्पस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है ये पर्सन जो सोलमेट जो होते हैं वो आपके साथ रह के आपको सिखाते हैं कि आपका लाइफ का क्या पर्पस है ठीक है सिर्फ शादी करना और बच्चे ये नहीं होता बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जो सोलमेट के साथ अब जब आओगे ना जो आपका रियल सोलमेट होगा तब आपको फील होगा कि हाँ यही है सोलमेट और इसने बहुत कुछ मुझे सिखाया ठीक है द डिवाइन मैस्कुलिन यस यही जो है आपकी परफेक्ट मैच है जो आपकी शादी जो है आपके परफेक्ट मैच से ही होगी ठीक है ओके okay. काफ़ी ज़्यादा प्यार रहेगा आप लोगों के बीच में सो so, बहुत अच्छी बात है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप रहेगा रोमांटिक रिलेशनशिप होगा गार्डन देखो ग्रीन है इट मीन्स ग्रीन काफ़ी ज़्यादा शांति का प्रतीक है सो so, आपका जो है साथ साथ गार्डन है अब जब एक गार्डन में जाते हो या पार्क में जाते हो और एक समुद्र के पास जाते हो तो आपको कैसा फील होता है एग्जैक्टली exactly वैसे ही आपका रिलेशनशिप हमेशा रहेगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो रिवर है यूनिकॉर्न भी है सो so, हमेशा आपकी तरफ ब्लेसिंग्स रहेंगी झुकी हुई ठीक है देखिए लाइफ जो है बिना बुराई के साथ साथ बिना दुख के इनकम्प्लीट है ठीक so, है सो ये चीज़ें जो है आते रहती हैं बस उसका उसको, फा, उसको फाइट करना है फेस करके आगे निकलते जाना है ठीक है सो आपका देखिए सब कुछ अच्छा है किस्मत बहुत अच्छा है लक अच्छा है बस आपको है थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और इशू जो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको अच्छे से समझना कि क्यों ऐसा हो रहा है ठीक है और उसके लिए एक्शन आपको लेना होगा ओके डेफिनेटली लाइफ का पर्पस है ये पर्सन जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे आप भी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन से सीखोगे और सिखाओगे ओके डी पेरेंटिंग इस पर्सन से आपको एक बहुत जैसे आप सोलमेट तो हो साथ साथ ये पर्सन जो है एक गार्डियन की तरह गार्जियन की तरह पेरेंट्स की तरह आपको क्या करेंगे गाइड करेंगे ठीक है मेच्योरिटी डेफिनेटली मेच्योरिटी होगी और आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है ये भी चीज़ दिखाई दे रही है ठीक है ओके okay. सो so, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तो मैंने बताया डाउन टू अर्थ है लेकिन स्पेशली ये पर्सन जो है वुमेन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आज कल के तो मतलब जमाने में कोई वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता ठीक है बहुत कम ही लोग हैं जो करते हैं हाँ बहुत सारे लोग जो ऊपर ऊपर दिखाते हैं कि हम करते हैं लेकिन बहुत कम ही लोग मैंने देखा है जो कि करते हैं ठीक है और जो करते हैं पूरे दिल से उसकी तो कहना ही क्या ठीक है सो so ये जो आपके पर्सन होंगे ना वो वुमेंस की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे ठीक है सो लेट्स चेक इट आउट ओके सो हो सकता है ये पर्सन अकेले हैं मैंने आपको पहले बताया तो हो सकता है ये अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं साथ साथ आपको भी मैनिफेस्टेशन करना चाहिए अपने सोलमेट के पास जाने के लिए ओके okay, ये बिल्कुल लाइफ परपज़ की तरह ही है और राइट right. right. देखो ये निया का कार्ड है इट मीन्स हो सकता है कि बहुत रेयर केस में होता है ट्विन फ्लेम तो बहुत कम लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं ठीक है ठीके? जो भी होगा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा यू कैन सी द कार्ड कितना दोनों के बीच में प्यार है रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है ओके और ऐसा दिख रहा है कि एक दोनों दोनों ही एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते ठीक है ठीके? ओके okay. ये चीज़ है कि आप कभी कभी हो सकता है लो फील करो मैरिड लाइफ में लेकिन हाँ ये पर्सन प्यार करते हैं सो ये पर्सन आपको हमेशा मनाएंगे भी ये चीज़ भी आई है ओके डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मेस्क्यून आ गया मतलब एक दूसरे के लिए आप दोनों क्या हो परफेक्ट हो ठीक है या तो टू इन्फ्लेम हो वो कम चांस है लेकिन सोलमेट के चांसेस बहुत ज़्यादा है और सोलमेट के साथ ही होना चाहिए क्योंकि सोलमेट के साथ जब रहते हैं तो उसके साथ हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं ठीक है ऑल राइट right. इससे पता चलता है ना कि काफ़ी अच्छा आपका रिलेशनशिप रहेगा जो भी चीज आप चाहोगे आपको मिलेगा एक लास्ट कार्ड हम देखेंगे फॉर योर बाउंडिंग वो ये है क्रिएटिविटी ओके डेफिनेटली ये पर्सन जो है आप जानते हो कि चैरिटी करते हैं ठीक है हो सकता है आगे चल के इस पर्सन में और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी आए दिमाग में तो ये आपके साथ ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी क्रिएटिविटी बहुत सारे वर्क्स जो है अच्छी चीज़ें करेंगे ठीक है और बहुत नाम कमाएंगे बहुत आगे जाएंगे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ओके सो so, ये सारी चीज़ें हैं अब हम चीट्स के थ्रू कुछ मैसेजेस देख लेते हैं लाइक नेम इनिशियल कहाँ से होंगे ये सारी चीज़ें ओके सो so, पाइल वन यहाँ पर मैंने आपके लिए मिक्स चीट लिया है आज ओके सो so, हम मिक्स चीट पर देखेंगे कि कैसे होंगे आपके पर्सन ओके ओके तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ भी हो सकता है तो आपके पर्सन जो है एग्रीकल्चर कंसल्टेंट होंगे ठीक है आगे देखते हैं पोनी टेल हो सकता है ये छोटा सा पोनी टेल रखना पसंद करते होंगे ठीक है मार्च में इनका बर्थडे हो सकता है फिर मार्च में आपकी शादी भी हो सकती है ऑल राइट रिलीजन काफ़ी रिलीजियस पर्सन होंगे ठीक है या फिर रिलीजन का अंतर हो सकता है आप दोनों में ओके गोल्ड की चीज़ें ये पर्सन पहनते होंगे ये पसंद होगा इस पर्सन को एक्वेरियस इस पर्सन का जोड़े एक साइन हो सकता है ठीक है जे से इनका नाम हो सकता है वेल well, हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे लेकिन हम मिक्स चीट के थ्रू देख रहे हैं मे में हो सकता है आपके मैरिज हो जाए इस पर्सन के साथ और राइट आई विल क्लेयर एंड प्रोटेक्ट यू वी विल ग्रो ओल्डर आपके पर्सन जो कह रहे हैं वो ये है कि मैं आपकी केयर करूँगा और प्रोटेक्ट करूँगा साथ साथ हम दोनों एक साथ बूढ़े होंगे ठीक है अच्छी बात है आगे देखते हैं आर्किटेक्ट हो सकते हैं आपके पर्सन आपके पर्सन का लियो जो देख साइन भी हो सकता है ठीक है सिमिलैरिटी देखो मैंने आपको बोला ना कि आपकी फीलिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे इट मीन्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है मुझे लोकल इट मीन्स हो सकता है कि आपके एरिया के ही हो ठीक है आपके सिटी ही हो साथ साथ अमेरिका भी आ गया हो सकता है इस पर्सन का कभी बिजनेस हो अमेरिका में तो वो चले जाए आपके साथ ओके okay. ए से नेम इनिशियल दिखाई दे रहा है इस पर्सन का रोमांटिक यस ही और सी इज डेफिनेटली रोमांटिक ये पर्सन अभी स्टूडेंट है ऐसा दिख रहा है ठीक है पी पी से नेम इनिशियल ने हो सकता है इस पर्सन का और राइट right. आगे हम देख लेते हैं काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं आपके पर्सन ठीक है एजुकेटेड है अच्छे खासे उसके बाद है कॉफ़ी हो सकता है इस पर्सन को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद हो और आपको डेट पे ले जाएँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा वाइब्स आ रहा है कि अरेंज मैरिज हो गया आपकी ठीक है या आपके पेरेंट्स से पहले मिलेंगे ठीक है देन आपको ये डेटिंग पे ले जा सकते हैं ओके ओके ग्रेट सेलिब्रेशन यस काफ़ी ज़्यादा रेजनेट कर रहा है ना आप देखो पहले क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स से मिले फिर डेटिंग पर आपको लेकर गए फिर ये शादी के लिए फिक्स कर दिए हाँ कह दिए ठीक है और आप भी हाँ कर दिए सो ग्रेट सेलिब्रेशन दिखाई यहां पे दे रहा है डी नेम इनिशियल डी भी हो सकता है एट हो सकता है आठ महीने में आपकी शादी हो जाए और राइट आई आई भी आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है फैमिली इश्यूज किसी के लिए हो सकते हैं ठीक है स्कॉर्पियो आपके पर्सन का एक साइन हो सकता है कनाडा के हो सकते हैं अमेरिका के हो सकते हैं या फिर यहाँ पे इस पर्सन का बिजनेस हो सकता है या फिर वहाँ खोलने की सोच रहे हो बायोकेमिस्ट आपके पर्सन हो सकते हैं स्मॉल माउथ उनका माउथ जो है छोटा होगा ये लुक के लिए है ओके okay. सो so, हो सकता है बहुत सारे लोग अभी सैड हो तो सैड होने की जरूरत नहीं है आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास और ये आपके सोलमेट होंगे एंड डिवाइनिंग टाइम हो सकता है डिवाइनिंग टाइम में आप इस पर्सन से मिलो और शादी होगा आपकी ठीक है सो मिक्स चीट के थ्रू जो है ए रिजर्स आया है ठीक है जो रिक साइन एक लास्ट देखते हैं वो होगा ये जापान ओके okay, तो जापान के आपके पर्सन हो सकते हैं ठीक है ठीके? या फिर उनका बिजनेस होगा ये सारी चीज़ें हो सकती है या स्टूडेंट है तो हो सकता है पढ़ाई करने गए होंगे सो so, अब है जो आपके पर्सन का नेम इनिशियल हम देखेंगे सो so, ये है आपका नेम इनिशियल एन टी ओके सो इसे हम थोड़ा साइड करते हैं फिर यहां पे रखते हैं एफ पी एस जे के अच्छा कमेंट में मुझे आया था कि आप नेम इनिशियल ज्यादा लेते हो तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है किसी ने कहा कि नेम इनिशियल आप कम लेते हो <laughs> किसी ने कहा नेम इनिशियल आप ज़्यादा लेते हो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप लोग एक बार जरूर कमेंट में बताना कि नेम इनिशियल ज्यादा लूँ या कम लूँ ठीक है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं ना इसलिए ए जेड ई जे एक्स के टी एन ये आपके पर्सन के निमिनेशन हो सकते हैं वी ठीक है पी वी अगेन जी आई यू जेड एम आई अगेन आई काफ़ी ज़्यादा आ रहा है जेड एच ए आर भी आया है ओके okay, एक्स C Y U F C S ओके okay, C T H R G एक लास्ट हम देख लेते हैं वो है आई ओके सो so, आई ऐसा लग रहा है कि बहुत बार आया है ठीक है so, सो ये सारे जो नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं ओके सो पाइल वन अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन से आपकी शादी कब तक हो सकती है थ्री मंथ्स डिवाइनिंग टाइम ऑल राइट वन ईयर फोर्टीन मंथ्स फिफ्टीन मंथ्स सेवन वीक ओके जो नहीं मिले वो मिल सकते हो थ्री मंथ सेवन वीक टू ईयर में शादी हो सकती है आपकी फिफ्टीन मंथ्स एलेवन मंथ्स ट्वेंटी फोर मंथ्स ओके ट मंथ्स वन ईयर फाइव ईयर नाइन वीक स्टूडेंट आया तो हो सकता है कि उतनी ईयर लग जाए फाइव ईयर सेवन ईयर भी आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ट्वेंटी नाइन मंथ्स ओके एट मंथ्स थर्टी वन मंथ वन वीक फोर ईयर थोड़ा टाइम लग लग रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइव फोर ईयर ऐसा लग सकता है आपको टू ईयर भी आ रहे हैं तो हो सकता है टू ईयर में भी शादी हो जाएगी ओके फोर मंथ्स इलेवन मंथ्स नेक्स्ट ईयर टू ईयर टू ईयर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं ट्वेंटी एट मंथ्स ट्वेंटी सिक्स मंथ ओके टेन मंथ्स वन ईयर एक लास्ट लेके देख लेते हैं वो है थ्री ईयर ओके सो ये सारी जो है टाइमिंग है जिसमें आपकी शादी होगी आपकी पर्सन से ठीक है अब हम क्लियरली देखते हैं कि आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा ठीक है सो पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं आपके पर्सन आपकी पर्सन योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं यूट्यूबर भी एक हो सकते हैं साइंटिस्ट भी हो सकते हैं दैट्स वेरी ग्रेट गाइडर हो सकते हैं मैजिशियन हो सकते हैं पायलट हो सकते हैं वह wow. ओके okay, सो so आगे देखते हैं म्यूजिश म्यूजिक कंपोज़र हो सकते हैं ब्लॉगर uh, हो सकते हैं प्रोफेसर मैंने बोला था प्रोफेसर हो सकते हैं आर्मी मैन हो सकते हैं एंड मैकेनिक्स एंड म्यूजिशियन आया है ओके फिटनेस ट्रेनर या फिर एरोबिक ट्रेनर आपके पर्सन हो सकते हैं कोरियोग्राफर राइटर मार्शल आर्टिस्ट सन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेम मेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेयर ड्रेसर सिविल सर्वेंट दैट्स ग्रेट एक क्लास देखते हैं वो है एयरफोर्स ऑफिसर तो so, हो सकता है कि ये सारे प्रोफेशन आपके पर्सन के प्रोफेशन से मैच कर जाए ओके सो पाइल वन अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का लुक कैसा होगा बोज सेप्ड लिप्स पफ़ी हेयर राइट एवरेज हाइट होगी इस पर्सन की फेयर डीप सेट आइज पोलाइट होंगे नेचर के नेचर भी रखा है मैंने इसमें वार्म डिफेंसिव प्रोटेक्टिव होंगे ओके क्लासी पर्सन होंगे हेजलाई होगा इस पर्सन का मीडियम बिल्ड, काम होंगे ठीक है काफ़ी शांति देखिए चाइल्डिस कितना ज़्यादा रेसोनेट किया चाइल्डिस नेचर के होंगे और साथ साथ इस पर्सन को पीस पसंद होगा ठीक है शांति पसंद होगी ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया काइंड फैब्यूलिसस वेबी हेयर प्रोटेक्टिव है आपके पर्सन अगेन फुल लिप्स मोस्ट ब्यूटीफुल टॉल नोस ब्लॉन्ड हेयर क्लोज सेट आईज सुपर क्यूट स्ट्रेट नोज होगा इस पर्सन का बिग आइज़ होगी एंजेलिक लुक होगा ठीक है हेवी अपर लिप्स प्री टैन ठीक है सांले हो सकते हैं मॉडर्न होंगे स्टाइलिश मैंने पहले बताया था फुल लिप्स अट्रैक्टिव होंगे ब्लॉन्ड हेयर कलर गॉडेस लुक होगा इस पर्सन का फ्लैट नोज हो सकता है किसी के लिए क्रुग्ड लिप्स जो नेचुरल पिंक लिप्स रोजी नेचर लवर होंगे आपके पर्सन स्ट्रिक्ट और सेल्फ डिसिप्लिन यस ग्रे आईज डार्क आईज आया ओल्ड फैशन भी आया है किसी किसी के लिए राउंड आइस हुनोज शॉर्ट फूडी होंगे क्लेवर होंगे ओके स्टनिंग जेंटल करव लिप्स इमोशनल होंगे ओके दट्स ग्रेट पेल बीच सॉफ्ट हर्टेड होंगे फ्लैक्सीबल हेल्पफुल यस डिप्स इट्स ट्रू यस आपके लवर होंगे बिल्कुल सही बात है ऑलिव कलर हो सकता है इसका पेल एक लास्ट देखते हैं वो है शॉर्ट हेयर ओके okay. सो so ये सारे आपके पर्सन के लुक एंड नेचर के लिए मैसेजेस आए हैं सो so पैलवन ये जो है लास्ट मैसेज है जो हम चीट्स के थ्रू देखेंगे कि आपके पर्सन कहाँ के हो सकते हैं ओके okay. मैक्सिको फ्रांस उत्तर प्रदेश मिजोरम अरब नागालैंड और ऑस्ट्रेलिया ग्रीस उड़ीसा तर्की मणिपुर आसाम राजस्थान ओके हरियाणा सेम सिटी चाइना फिलीपींस, तमिलनाडु इटली ओके यहाँ पे है फिनलैंड श्रीलंका वेस्ट बंगाल इंडिया ओके यूनाइटेड किंगडम गोवा इंडिया साउथ कोरिया ओके बिहार इटली तेलंगाना यहाँ पे छत्तीसगढ़ U.S.A. पोलैंड अरुणाचल प्रदेश झारखंड न्यूजीलैंड महाराष्ट्र कोलंबिया राजस्थान रशिया एक लास्ट देखते हैं ओके okay, इस लास्ट में है ग्रीस स्विट्जरलैंड सेम कंट्री ओके सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है हो कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक भी कीजिए ठीक है एनर्जी क्लेम करने के लिए साथ साथ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मैंने जी और इंस्टा दे रखा है ओके सो यहाँ पर बस आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको जो है अपने एंगर को कंट्रोल में रखना है ठीक है और सबसे कुल मिल के रहना है और पर्सन पे शक नहीं करना है क्योंकि आपके पर्सन जो है ट्रस्टवर्दी है आपके सोलमेट है तो ये कहीं आपसे दूर नहीं जाएंगे आपके साथ ही रहेंगे ठीक है थोड़ा इशू जो है आपको फेस करना पड़ सकता है आगे चल के मैरिड लाइफ में लेकिन हाँ ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास हमेशा आएंगे आपको बुरे चीज़ों से बचाएंगे और आपको क्लियरिटी भी देंगे ठीक है सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग खत्म होती है अब हम चलते हैं पाइल टू के रीडिंग पे ओके सो हेलो पाइल टू होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए होंगे सेवेंटीन से थर्टी वन के बीच में आपकी बर्थडे आती है एरिस लियो सैजिटेरीज कैंसर स्कॉर्पियो आपका जरूरी साइन होगा या फिर इस वल्दी मैन को आप सेलेक्ट करके आए होंगे ओके तो चलिए आपकी रीडिंग जो है शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए ठीक है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए ठीक है पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली मुझसे इंस्टा पे इंस्टा आई मैंने दे रखी है और जीमेल पे भी ठीक तो है सो यहाँ दो कार्ड आए हैं वो मैं ले लेती हूँ तो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी हम सब कुछ देखेंगे कि आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा ठीक है आपको कैसा कैसे रखेंगे कैसा ट्रीट करेंगे तो वो सारी चीज़ें अच्छी ही आ रही हैं ठीक है ऑलराइट राइट right. एक लास्ट कार्ड हम लेंगे वो हम देखते हैं और भी हम देख के थ्रू देख लेंगे मैसेजेस ताकि अच्छे से मैसेजेस क्लियर हो सके और आपकी डाउट्स भी क्लियर हो सके और साथ साथ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर जो कुछ भी कमी लगती है तो वो बताइए और साथ सबसे अच्छी बात ये बताइए कि आपको क्या अच्छी लगती है वीडियोस में ठीक है सो मेरा इंतज़ार रहेगा कमेंट्स में आप बता सकते हो सोचिए इससे भी हम कार्ड्स ले लेते हैं फिर उसके बाद हम मैसेज देखेंगे ओके मैसेजेस अच्छे आ रहे हैं उसके साथ साथ आपके लिए गाइडेंस भी आ रहे हैं ओके सो गाइडेंस मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको फॉलो करना है हर चीज़ को ओपन अप राइट एक कार्ड हम लास्ट लेंगे चलिए ठीक है so, सो हम देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कार्ड अरेंज करके ओके सो हेलो पाइल टू यहाँ मैंने आपके सारे कार्ड्स जो है अरेंज करके ले लिए हैं ठीक है सो so, अब हम समझेंगे हर एक कार्ड के थ्रू क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए कैसे रहेगी बाउंडिंग ओके सो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का यू कैन सी हियर सो क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होंगे तो कैसे मेच्योर होंगे स्परिचुअली मेच्योर होंगे ठीक है इमोशनली मेच्योर होंगे ठीक है दोनों ही चीज़ होंगे स्परिचुअली इमोशनली दोनों तरीके से मेच्योर होंगे ओके okay. साथ साथ ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है ठीक है ऑल राइट फिर ये पर्सन जो है जिससे भी प्यार करेंगे उससे बहुत प्यार करेंगे भर भर के प्यार करेंगे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं ये पर्सन लॉयल है फेथफुल है और ये पर्सन साथ साथ साई भी है ठीक है so, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस पर्सन का काफ़ी सारा है, दे ड्रीम है डे ड्रीमर है ये पर्सन साइकिक है और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है इतनी सारी चीज़ इस पर्सन में दिखाई दे रही है कि क्या क्या बताऊँ ठीक है साथ साथ ये पर्सन एक अच्छे हीलर हैं जहाँ भी जाते हैं ना तो ये पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं ठीक है थीके? अगर कोई हेल्प चाहता है तो ये पर्सन डेफिनेटली हेल्प करते हैं और ऐसा नहीं कि इनके बातों का असर नहीं पड़ता किसी को जब ये किसी की हेल्प करते हैं उसको समझाते हैं तो वो हील कर ही जाता है उसके उस पर्सन में और उस पर्सन के लाइफ में हीलिंग आती है ठीक है और ये काफ़ी अच्छे लिसनर हैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से ये जो पर्सन है वो शांति से सुन रहा है ठीक है अपने चेहरे पे स्माइल लेकर ठीक है तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे या होंगी वो एक बहुत अच्छी लिसनर होंगी आपको बहुत अच्छे से सुनेंगी ठीक है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगी एक अच्छी माँ की तरह आपको प्यार करेंगी और एक अच्छी माँ भी बनेंगी और एक अच्छे फादर भी बनेंगे ओके सो तो जो मैंने बताया मैं फिर से बता देती हूँ आपके पर्सन होंगे काफ़ी मेच्योर स्पिरिचुअली ओके और साथ साथ इमोशनली भी ठीक है सिक्योरिटी देंगे स्टेबिलिटी देंगे रिलेशनशिप में काफ़ी सेंसिबल पर्सन है सेंसिटिव पर्सन है ओके काइंड है और बहुत खुश रहते हैं अपने लाइफ में ठीक है क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है ऐसा भी दिखाई दे रहा है ये स्पिरिचुअली जो है बहुत ज़्यादा अवेकन है अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं लाइक जैसे ये पर्सन कोई काम करने जाते हैं या करने जाती है तो पहले अपने अंदर जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चलता है और उसका आंसर चाहते हो तो उसका आंसर आपके दिमाग में ही होता है ठीक है आपके पास ही होता है तो वो चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है इसके लिए आपको बहुत मेहनत मह करना पड़ेगा लाइक मेडिटेशन करना पड़ेगा तो ठीक है कोई बात नहीं मैं ट्राई करूँगी कि आप करो ठीक है सो so, यहाँ पे ये यह दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है तो मेडिटेशन वगैरह करते हैं स्परिचुअली अवेकन है तो ये पर्सन जो भी कुछ काम करने जाते हैं तो पहले अपने आप से बात करते हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो सोचते हैं कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ठीक है तो जो कुछ भी होता है पहले मतलब लोगों से तो बात कर लेते हैं लोगों का सुनते हैं लेकिन लास्ट में करते वही हैं जो इनका इंट्यूशन इनका विजडम बोलता है ठीक है हर चीज़ को ऑनेस्टी के साथ करते हैं हर एक पर्सन के साथ अच्छे से जो भी रिलेशन है ठीक है एक बच्चे के साथ एक अगर नीडी पर्सन है उसके साथ भी रिलेशन है तो बहुत अच्छे से निभाते हैं लॉयल सो आप जो है इसके पार्टनर होंगे तो सोचो कितना अच्छा रिलेशन ये पर्सन निभाएंगे, ठीक है सो इसलिए मैंने कहा कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देंगे आपको ठीक है उसी तरह से फीमेल भी, फीमेल भी है आपकी ओके ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से रखेंगी रोमांटिक होंगी साथ साथ शाई भी होंगी शरमाएंगी भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा शरमाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप जो वीडियोस देख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो ऐसा मुझे फील हो रहा है ठीक है और आप जो आपके जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके पर्सन जो है काउंसलर हो सकते हैं ठीक है हीलर हैं लिसनर हैं अच्छे दूसरी बात ये काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है ऐसा दिख रहा है कि अपने फैमिली में सबकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं सपोर्ट करते हैं कोई कुछ आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में तो बहुत ज़्यादा फैमिली को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इट मीन्स आपके जो पर्सन है वो आपके लिए डेफिनेटली हर एक वक्त स्टैंड लेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे और केयरिंग तो क्या ही कहना बहुत केयर इस पर्सन से मिलेगा ये भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन का बहुत सारा ड्रीम है मैरिज को लेकर जो कि आपके साथ ये पर्सन पूरा करेंगे ठीक है और वाइफ अगर जो होंगी जो भी मेल लेकर फीमेल की तो आपकी वाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होंगी ठीक है बहुत बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम स्मार्ट होने वाले हैं ठीक है सो so, बहुत बड़े बड़े इमेजिनेशन ये पर्सन करते हैं ठीक है और उसको मैनिफेस्ट भी करते हैं ताकि वो सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में आ जाए ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है ठीक है काइंड है केयरिंग सपोर्टिव ये चीज़ मैंने आपको बता दिया उसके बाद एक चीज और मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है वो ये है कि ये जो है सेंटिमेंटल पर्सन है सेंसिटिव है सेंस इनका सोल जो है ना सोल वो बहुत सॉफ्ट है बहुत सेंसिटिव है ठीक है तो आप सोच समझ कर इस पर्सन को कभी हर्ट भी करना कुछ बोलना भी तो सोच समझ कर बोलना ठीक है सो तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है इनका सोल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ठीक है लविंग है पर्सन बहुत ज़्यादा और आपके साथ हमेशा रहना चाहेंगे आपके बाहों में रहना चाहेंगे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन का जो एक साइन होगा वो काफ़ी शांत सा जोरियक साइन है ठीक है वाटर साइन है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है ठीक है सिक्यटिव हो सकते हैं ये पर्सन थोड़े से सिकरेटिव होंगे शुरुआत में आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे लेकिन धीरे 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 ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करना शुरू करेंगे ये पर्सन क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ठीक है ये चीज़ दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है आर्टिस्ट है ये पर्सन ड्राइंग वगैरह करते होंगे ठीक है या फिर म्यूजिक वगैरह में इन्वॉल्व होंगे साथ साथ ये पर्सन इंट्यूटिव है जिस तरह से मैंने बताया जो भी काम करने जाते हैं तो पहले अपनी इंट्यूशन पे जरूर ध्यान देते हैं ओके साथ साथ अगर आपके मैरिज लाइफ पे ठीक है मैरिड लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करके देखूँ तो इस कार्ड के थ्रू तो ये पता चलता है कि ये पर्सन आपको फुलफिलमेंट देंगे ठीक है इमोशनल सिक्योरिटी देंगे रिलेशनशिप में ठीक है या आप अच्छे से समझ लो उसके बाद इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है और उस प्यार में बहुत ज़्यादा अबेंडेंस होगा ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो पूरे अबेंडेंस के साथ आएंगे ठीक है जो बाउंड होगी यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्ट्रेंथिंग बाउंड है इट मीन्स आपकी जो बाउंडिंग होगी वो हमेशा बहुत स्ट्रांग होती जाएगी साथ साथ इस पर आपको एफर्ट भी लगाना होगा ठीक है बिना एफर्ट के बिना किसी एक्शन के आपके कुछ नहीं हो सकता लाइफ में ठीक है सो ये चीज़ है कि आपकी जो है एफ़र्ट क्या होगा बस प्यार करना है और एक दूसरे पे भरोसा करना है ऑनेस्ट रहना है ठीक है बस यही एफर्ट लगाना है ना तो आपकी बाउंडिंग खुद पे खुद स्ट्रांग होती जाएगी ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको पता चलेगा वॉट इज़ लॉयल्टी एंड फेथफुल ठीक है सो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लॉयलिटी हाँ ये होती है एक फेथफुल पार्टनर ऐसा होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी हो सकता है आपने लाइफ में आपने ये सारी चीज़ें नहीं फेस की लेकिन इस पसंद के आने के बाद आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ से आप रूबरू होंगे ठीक है जब आपके कॉलेज कलिग्स हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है सो लव मैरिज के चांसेस भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं ठीक है सो अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है हम देखते हैं रीडिंग के थ्रू और पता चलेगा सो लव मैरिज का चांस अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और करियर के बारे में बात बार किया जाए तो वो सारी भी आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी ठीक है आपकी जो अगर देखा जाए अगर आप अपने चाहते हो ड्रीम पूरा करना तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको ऐसा तक बोल देंगे कि आप अगर अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो पहले आप अपने ड्रीम पूरा कर लो उसके बाद शादी कर लेंगे ठीक है तो ऐसे भी हैं आपके पर्सन तो ये होता है असली मायने में पार्टनर ओके तो यहाँ पे है आपका जो कार्ड है टेम्प्रेंस इससे ये पता चलता है कि पर्सन अपनी पूरी जान लगा देंगे किस चीज़ में तो रिलेशनशिप में बैलेंस रखने में पीस लाने में पेशेंस रखने में ठीक है और आपको अच्छे से खुश रखने में हर चीज़ का फुलफिलमेंट करने में ये पर्सन आपके सोलमेट है दोनों ही आप दुस्त, एक दूसरे के लिए सोलमेट हो ठीक है सोलमेट इट मीन्स बहुत कंफर्टेबल बहुत रिलैक्सेबल रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपको मिलेगा जिसमें आप अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकते हो खुशी खुशी ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है अंदर से जो है ना आपको बहुत शांति मिलेगी इस पर्सन के साथ रह के जैसे बहुत सारे लोग जो है रिलेशनशिप में रहते हैं बहुत सारे वीडियोस अभी जो देख रहे हैं वो भी बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होंगे ठीक है तो अच्छी बात है होना चाहिए लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है सिक्योर नहीं फील करते हैं ठीक है अंदर से शांति नहीं रहती लेकिन जब आप इस पर्सन के साथ रहोगे जिससे आपकी शादी होगी उससे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करोगे शांति से हर एक वक्त हर एक सेकेंड स्पेंड करोगे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है मैंने बताया ना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो खुश रहो साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ ये पर्सन जो है आपको हारमोनियस रिलेशनशिप देंगे मतलब काफ़ी ज़्यादा शांति होगी आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन जो है काफ़ी अच्छे इंटेंशन के साथ आपके पास आएंगे लव मैरिज का बहुत ज़्यादा अब दिखाई देने लगा है मुझे कि लव मैरिज हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए ठीक है काफ़ी अच्छा इंटेंशन होगा इस पर्सन का और काफ़ी अच्छे परस्पेक्टिव से आपके पास आएंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही टाइम पास करना है निकल जाना है ठीक है आपको ट्राई करके आजमा के ऐसा कुछ नहीं है कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है आप लोगों के बीच में तो आप देखोगे कि यही पर्सन जो है आपके पास बार बार आ रहे हैं मना रहे हैं तो इससे ये पता चलता है ना कि इस पर्सन को हमेशा खोने का डर रहेगा ओके सो so, इसलिए पूरा ट्राई करेंगे एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा वो भी प्यार का ठीक है परफेक्ट बैलेंस ऑफ लव कमिटमेंट एंड रिस्पेक्ट तो बहुत अच्छी बात है आपके पर्सन के बारे में ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं नेचर के और साथ साथ एक लेडी को ठीक है बहुत सारी लेडी ये भी होती है ना कि मैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती ठीक है ठीके? अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती है ठीक है बहुत सारे ऐसे होती हैं वाइफ और ज़्यादातर तो ऐसा देखा जाता है कि मेल जो है अपने वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ जो है दोनों ही एक दूसरे की फुल इक्वल रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की क्या हो सोलमेट ठीक है लविंग पार्टनर हो और दोनों ही मेच्योर यहाँ पे दिखाई दे रहे हो स्पेशली ज़्यादा आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेच्योर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सो ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे आपको खोना नहीं चाहेंगे तो ये पर्सन डेफिनेटली हमेशा आगे बढ़ेंगे आपको मनाने के लिए ठीक है अगर आपका कोई एम है तो गाइडेंस यहाँ पे है कि इस कार्ड के थ्रू कि अगर आपका कोई एम है तो उसके लिए आप एक्शन लेना शुरू करो क्योंकि यही टाइम है जो आप अपने गोल को पूरा कर सकते हो ठीक है और गोल में गोल को कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा डेस्परेट नहीं होना होगा ठीक है पेशेंस रखना होगा ये मैं आपको कहना चाहती हूँ अगर आपके लाइफ में नहीं होता है कम्प्लीट वो गोल तो कोई बात नहीं उसके लिए आपको अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि आपसे नहीं हुआ तो आप बहुत लो हो घटिया इंसान हो ऐसा नहीं सोचना है ये सोचो ना कि आपसे ये चीज़ नहीं हुआ तो इस चीज़ के लिए आप नहीं बने हो आपके लिए कुछ और चीज़ बना है जो कि बहुत बेस्ट होगा आप उसमें बहुत बेस्ट कर सकते हो ठीक है तो बहुत सारे लोग जो है डिप्रेस रहते हैं करियर को ले भी इसलिए मैं बीच बीच में ये सारी चीज़ें बोल देती हूँ ताकि आप तो थोड़ा अच्छा फील कर सको ठीक है सो दूसरी चीज़ है यहाँ पे नाइट ऑफ सोट्स नाइट ऑफ सोर्ट्स से पता चल रहा है कि जिस तरह से अभी बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में है तो उनके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी अगर कोई सिंगल है तो उनके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं सो तो ये सारे गाइडेंस जो है ना दिखते रहते हैं मुझे बीच बीच में और इंटेटिवली मुझे मिलते रहते हैं तो सोचती हूँ मैं बता दूँ ठीक है तो सिंगल्स जो है वो मिंगल हो गए ठीक है कोई बड़े चेंजेस आएंगे और काफ़ी अच्छा चेंजेस होगा डिफरेंट चेंजेस होगा ठीक है और रिलेशनशिप वाले हो तो हो सकता है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो उससे आप मूव ऑन कर जाओगे या फिर सच में आपके वो सोलमेट होंगे तो आप साथ में मिल के शादी भी करोगे ठीक है तो यहाँ पे जो है मैरिड लाइफ के लिए देखा जाए तो यहाँ ये दिख रहा है कि आप जब इस पर्सन से शादी होकर जाओगे ठीक है तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा आपके लुक्स में ठीक है आपके लाइफ में आपके रहन सहन में ओके फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत अप डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हो तो हो सकता है आप लोग ट्रैवल करोगे बहुत ज़्यादा ठीक है ये पर्सन जो है इसका नेचर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हीरोइक पर्सनैलिटी है इस पर्सन का सोल्जर वाली पर्सनैलिटी है लीडर वाली क्वालिटी है ठीक है डायनेमिक एनर्जी है काफ़ी पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है ये पर्सन जो है रिस्क लेने के लिए रेडी रखते है सो अगर कभी आप डेंजर में रहोगे फंसे रहोगे या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये पर्सन जो है हमेशा स्टैंड लेंगे खड़ा रहेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे आपको एक चीज़ इस पर्सन में जो है कमी मुझे दिखाई दे रही है कि ये डिसीजन अच्छे से नहीं लेते हैं और सिचुएशन में फंस जाते हैं कभी कभी ठीक है तो ठीक है इन का यूज़ करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कभी बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होता है तब तो हम फंस जाते हैं तो सब में कुछ कमी होती है तो ऐसी कमी आपके पर्सन में दिखाई दे रही है तो हो सकता है लाइफ में किसी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आगे पास्ट में डिप्रेस रहे हैं ठीक है अपनी गलती के वजह से ही ठीक लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहा है ये पर्सन कोई भी काम कर सकते करते हैं कर भी सकते हैं पूरे डिटेमिनेशन के साथ करते हैं पूरे फोकस्ड होकर करते हैं सिंगल माइंडेड पर्सन है ये ओके okay? परफेक्शनिस्ट है एमबीसी है और रिस्क लेना बहुत इस इनको पर्सन को पसंद है ठीक है और ये पर्सन जो भी कहेंगे ना आपके मुँह पे कहेंगे डायरेक्टली और पूरे हक के साथ कहेंगे कि तुम मेरी वाइफ हो या तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं कह सकती हूँ तुम्हें सब कुछ ठीक है टॉकेटिव होंगे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे से पहले तो शुरुआत में थोड़े हो सकते हैं मिस्टीरियस लेकिन जब बोलना शुरू करेंगे तो सब कुछ डायरेक्टली मुंह पर ही कहेंगे कुछ भी घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे ये पर्सन ठीक है ये चीज़ आप देख लो और अभी पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन का एज ट्वेंटी फ़ाइव से थर्टी फाइव के बीच में होगा ये आपसे बड़े हो सकते हैं ये पर्सन जो है जल्दी जल्दी बात करते हैं ठीक है ये चीज़ दिखाई दे रहा है ये पर्सन इंटेलिजेंट बहुत है डियरिंग है और रिबेलियस नेचर है इस पर्सन का एयर साइन है एक्वेरियस जिमनाई लिब्रा बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन का जोरी एक साइन ठीक है सेंसिटिव है मैंने आपको बताया सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है और साथ साथ इमोशनल भी है ठीक है तो इनका सोल है सेंसिटिव ये तो है ही और हम बनते कैसे हैं मेन तो हम बॉडी नहीं है ना हम सोल हैं तो इनका सोल कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ठीक है लेकिन इसके साथ साथ ये जो पर्सन है एक मिलिट्री वाले और शोल्डर वाले नेचर के भी हैं ये पर्सन ठीक है तो डिपेंड करता है कि ये किसके सामने खड़े हैं अगर आपके सामने खड़े हैं अपने प्यार के सामने खड़े हैं अपने फैमिली के सामने खड़े हैं तो कमज़ोर तो हो जाएंगे ना इमोशनली भी थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं टॉकेटिव है लेकिन धीरे धीरे होंगे ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं समझना पड़ेगा इस पर्सन को और ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा डीपर कमिटमेंट आपको देने वाले हैं और ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है और बहुत रोमांटिक प्रपोजल भी हो सकता है ठीक है ऐसा मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई सिंगल है आपकी लाइफ में जो पर्सन आएंगे तो वो पहले रोमांटिक प्रपोजल ही होगा ठीक है उसके बाद आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे कमिटमेंट देंगे ठीक है और जिनका जो ऑलरेडी मिल चुके हो सब कुछ हो चुका है बात हो चुकी है सो तो ये इस पर्सन की तरफ से बहुत ही रोमांटिक मैरिज प्रपोजल आपको मिलने वाला है ठीक है ये सारी चीज़ें हैं और अपने करियर के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बोल्ड है ब्रेव है करीजियस है डेयरिंग पर्सन है जैसे मैंने वो बोल दिया ना ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सोल्जर वाली डायनेमिक पर्सनैलिटी है इस पर्सन की ठीक है पावरफुल एनर्जी है हो सकता है इस पर्सन के हाथ में अथॉरिटी हो ये पर्सन पुलिस फोर्स में हो सकते हैं मिलिट्री मैन हो सकते हैं ठीक है, है? जज भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आई एस आई पी एस सिविल सर्वेंट हो ठीक है काफ़ी ज़्यादा चांसेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे सो so यहाँ पे जो है किंग ऑफ़ कप्स ठीक है किंग ऑफ़ कप्स से ऐसा लग रहा है मुझे देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगी इन लॉस के बारे में कि जिस तरह से ये है इन लॉस भी बिल्कुल इन्हीं के तरह होंगे इनके भाई भी हो सकते हैं बहुत सारे ऐसा दिख रहा है मुझे और इन लॉस वाले भी काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप के होंगे सेल्फ डिसिप्लिन uh, पर्सन होंगे ठीक है प्रोटेक्टिव होंगे अपने फैमिली जिस तरह से ये है ना बिल्कुल इनके फादर और इनके भाई भी वैसे ही होंगे ठीक है और यहाँ की जो लेडी होंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी दिखाई दे रही है तो इन लोगों में आपको एडजस्ट करने में उतना टाइम नहीं लगेगा ठीक है क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं ये आपको भी पता है ठीक है एज़ कम्पेयर टू जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं ओके सो so, इस इनके जब साथ आप जाओगे शादी होके तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा शुरुआत से ही और इन लोगों में ढल लेना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है सो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पर्सन जो है मैंने बताया कम्पैशनेट है शांत रहना इनको पसंद है ठीक है केयरिंग है फ्रेंडली नेचर है हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पहले फ्रेंडशिप हुआ लाइक किए हो ठीक है ऐसा कहा हो या कहीं होगी कि आई लाइक यू ठीक है फिर उसके बाद आगे जो है बात होती गई ठीक है बैलेंस डेफिनेटली ये बना के रखेंगे क्योंकि बैलेंस का कार्ड आप सामने भी देख रहे हो ठीक है उसके बाद ये जो है अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है फर्स्ट मैरिज सेकेंड मैरिज वाले भी देख रहे हो ठीक है और ये भी हो सकता है जो रिलेशनशिप में है जिनकी कभी शादी नहीं हुई जो वीवर्स देख रहे हो जो आपके पार्टनर हो सकते हैं कि वो मैरिड हो ठीक है और उनका डाइवोर्स वगैरह हो, हो गया हो ऐसा हो सकता है लेकिन ये जो है आगे चल के जिस किसी के साथ भी रहेंगे ना ऑनेस्ट रहेंगे लॉयल रहेंगे कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा हो सकता है कि कोई पार्टनर होंगी या होंगे जिनका डेथ हो गया होगा तो इसलिए अब ये अकेले हैं ठीक है ऐसा नहीं कि ये कोई बेटा बेटी है ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा पर ये जो पर्सन आपके साथ आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल होंगे ये उन लोगों के लिए है जो कि रिलेशनशिप में है ठीक है तो आपके पार्टनर जो है वो शादीशुदा हो सकते हैं लेकिन अब जो है डाइवोस ही है या फिर इनके पार्टनर की डेथ वगैरह हो गई होगी ओके होके आप मेरे बात को समझ रहे हैं ये एक बहुत अच्छे हस्बैंड बहुत अच्छे वाइफ बनेंगे ठीक है उसके बाद अच्छे फादर मदर मैंने बता दिया ये पहले कार्ड के थ्रू ही क्लियर हो गया लॉयल होंगे फेथफुल होंगे स्पिरिचुअल गाइडर भी हो सकते हैं और काउंसलर भी हो सकते हैं के पर्सन ठीक है परसन, तो यहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ पता चल रहा है एक पर्सन जो है बहुत हेल्प करते हैं लोगों की ओके सो so, इनमें जो टैलेंट है लाइक like शोल्डर वाली क्वालिटी है तो उन सारी चीज़ों से लोगों की मदद करते हैं ये अच्छी बात है बैलेंस है देखो इस पर्सन में माइंड को लेकर और हार्ट को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर चलते हैं यहाँ पे जो कुछ है चक्र आया है जैसे बेस चक्र ग्राउंड चक्र और यहाँ पर सैकड़ल चक्र सो इसके थ्रू मैं जो है आपको गाइडेंस दूँगी देखते हैं लास्ट में सो ये सारी चीज़ें फिर से वही बात रिपीट करती हैं इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगी सो लोग फिर कहते हैं कमेंट्स में कि आप एक बात को रिपीट कर रहे हो इसलिए सो तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ एनिमीज़ हो क्योंकि आप जो है अच्छे हो ठीक है अपने लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहे हो आप जो है अपने माइंड को हार्ट को दोनों चीज़ को कंट्रोल करके चलते हो वो भी पूरी विजडम से काम करते हो ऑनेस्टी के साथ काम करते हो पैसे भी बहुत कमाते हो तो ये सारी चीज़ें देखकर लोगों को होती है चैलस फील ठीक है ह्यूमन नेचर है तो ये सारी चीज़ें हैं इमोशनल है आपके पर्सन होंगे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में तो यहाँ पे जो आपके पर्सन अच्छे हैं अपने लिए तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो करवा रहे हैं लेकिन जब साथ में आएंगे तो भी आपके बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे आपके साथ अच्छे से रहेंगे ओके देखिए ये चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कुछ आपके लाइफ में रहे या ना रहे इस पर्सन का सपोर्ट जो है हमेशा रहेगा ठीक है रोमांस और अफेक्शन भर कर आपके रिलेशनशिप में रहेगा ठीक है ये सारी चीज़ें हैं हो सकता है टफ टाइम आपके लाइफ में आए तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे इमोशनली हर तरीके से इस पर्सन से आपको सपोर्ट मिलेगा ठीक है ये पर्सन जो है रोमांटिक है चार्मिंग है पूरी तरह आपको हंसाने की खुश रखने की कोशिश करेंगे एक बहुत अच्छे ग्रेट हस्बैंड बनेंगे और ये ग्रेट वाइफ भी बनेंगे आपका केयर करेंगे देखिए ये पर्सन जो है अपने काम में तो रहेंगे बिजी लेकिन आपके लिए भी पूरा टाइम देंगे ठीक है और ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ मनी एडवाइसेस बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन से आपको मिलने वाली है तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ इस पर्सन के साथ आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में साथ साथ जो है आपको कभी ऐसा डर जैसा फील नहीं होगा आप बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ़ील करोगे ठीक है आप बीमार भी रहोगे तो बीमार में भी स्ट्रॉन्ग सा फ़ील करोगे क्यों क्योंकि ये पर्सन जो है आपके बगल में ही बैठे हुए रहेंगे सो अगर ऐसा कोई लाइफ में पर्सन होगा तो कितना अच्छा फील होगा ना सोच कर देखो तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वैसे ही पर्सन आपको मिल रहा है ठीक है मतलब जब आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तब भी आप बहुत हाई फील करोगे लो में भी हाई फील करोगे ये सिर्फ उस वजह से होगा क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ होंगे ठीक है और इस वजह से इस पर्सन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ग्रो करवाओगे ब्रेफ बनोगे करेजियस बनोगे आपके अंदर से एक स्ट्रेंथ आएगी ठीक है कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी वाइफ ऐसी है मेरा हस्बैंड ऐसा है ठीक है जिसकी वजह से मैं इतनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ इतने सारे चेंजेस आए अपने फियर्स से एनजाइटी से मैं आगे निकल गया निकल गई ठीक है डेफिनेटली ये पर्सन हर वक्त हर कदम पर आपको बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है अगर कुछ चीज़ आपसे नहीं होगा तो वो भी आपके बदले ये पर्सन करेंगे सो so, बहुत अच्छा है रिलेशनशिप भी अच्छा है ठीक है हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो देख रहे हो लियो हो सकता है जो साइन ठीक है सो so, अब हम यहाँ देख रहे हैं ये कार्ड तो मैंने आपको बता दिया कि पर्सन जो है डिसीज़न नहीं लेते हैं हो सकता है ये पर्सन कभी लाइफ में बुरी तरह फंसे थे अपने डिसीज़न सही तरीके से ना लेने की वजह से ठीक है बहुत ज़्यादा इन में हो जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है तो इस इन में आपको अपने पर्सन का साथ देना है ठीक है और क्योंकि पार्टनर यही होते हैं जब हम हमें हम में कुछ चीज़ की कमी होती है हमें कुछ समझ में नहीं आता तो कौन उस वक्त हेल्प करेगा बिल्कुल हमारे एग्जैक्टली exactly पार्टनर ही हेल्प करेंगे तो बस यही चीज़ है कि आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आपको जिस तरह से पर्सन पूरा एफर्ट लगाएंगे बैलेंस बनाने की उस तरह से आपको भी एफर्ट लगाना है इस पर्सन में अगर कुछ कमी है तो वो आपको देखना होगा आपको पूरा करना होगा और आप में जो कमी होगी ये तो आपके बदले में कर देंगे ऐसा दिख रहा है ठीक है हैंगमैन से मैंने आपको यह बता दी अब यहाँ पे जो है आपका ये है एक चीज़ और है इससे ये गाइडेंस मैं देना चाहती हूँ जो मुझे लग रहा है जो मुझे देना चाहिए अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है ठीक है रिलेशनशिप को लेके तो अभी जो है आपको थोड़ी रेस्ट करने की ज़रूरत है थोड़ा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है ठीक है आपका रिलेशनशिप रियल होगा प्यार सच्चा है लेकिन फिर भी आपको जो है अभी टाइम देने की ज़रूरत है रिलैक्स होने की ज़रूरत है ऐसा दिख रहा है मुझे ठीक है ये कार्ड बहुत अच्छा है ये कार्ड ट्रैवल को इंडिकेट करता है ठीक है रोमांटिक होलीडेज़ को इंडिकेट करता है तो मे भी जब आपकी शादी होगी तो आप डेफिनेटली जा सकते हो अपने हनीमून के लिए होलीडेज़ के लिए और काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप आपका और साथ साथ सॉरी रोमांटिक आपका हॉलीडे रहेगा ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ओके सो so, बहुत अच्छा है ये सारी चीज़ें अच्छे अच्छे ही मैसेजेस आ रहे हैं जितना भी कार्ड्स दिखा अच्छे ही अच्छे आए बस एक पर्सन आपके जो है वो अच्छे से नहीं डिसीजन ले पाते हैं ठीक है पर इससे ये पता चला है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे आपको लेकर ये पर्सन आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी रहेंगे ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है ठीक है ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए दिखाई पड़ रहे हो मुझे सो तो आप जो है इस रिलेशनशिप में जाओगे तो मैंने बोल दिया पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली होगा ही होगा ठीक है जिस तरह से आपकी पर्सन है ना शोल्डर वाली क्वालिटी है उस तरह से आप में भी इस तरह की क्वालिटी आने लगेगी ठीक है आप लोग जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे खुश रहोगे रोमांटिकली ओके okay? एक्साइटेड रहोगे हमेशा ही एक दूसरे के कंपनी को हमेशा इंजॉय करोगे यहाँ पे जो ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग डेफिनेटली बहुत जल्दी ट्रैवल करोगे आफ्टर मैरिज ओके okay? ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रुकना पड़ेगा हो सकता है आफ्टर तो मैरिज ही आप लोग प्लान कर लो फॉर हनीमून ओके okay? सो so यहाँ पे जो आपका लास्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो क्या कहते हैं तो ये जो है सीधे सीधे आपके पर्सन person के पर्सनालिटी को दिखाता है ठीक है कि आपके पर्सन होंगे कैसे और राइट right. ये सारे भी बस उसी तरह हैं जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको तो जो डिफरेंट है वो मैं बता देती हूँ इसमें यह है कि आपके पर्सन जो है पेशेंस रखते हैं ठीक है ठीके? ये बात है हाँ डिसीज़न गलत ले लेते हैं लेकिन पेशेंस भी रखते हैं और उसको सुधार में भी लाते हैं ठीक है ठीके? सुधार भी करते हैं ठीक है ठीके? सो so, ये बहुत बड़ी बात है जब पर्सन अपने गलती से सीखता है उससे उस पर डिस्परेट और फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता सो so, ये चीज़ है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं ठीक है प्रैक्टिकल पर्सन है एक्शन में बिलीव रखते हैं सिर्फ ड्रीम देखते नहीं लॉयल है रिस्पॉन्सिबल है ओके okay? प्रोटेक्टिव है डिफेंसिव है थोड़े कंजर्वेटिव हैं आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर सकते हैं आपको कुछ चीज़ के लिए मना कर सकते हैं ज़िद्दी है स्टबर्न है सो so ज़िद्दी है आपके पर्सन पर लॉयल है ठीक है फेथफुल भी है बहुत प्यार मिलेगा क्योंकि सोलमेट है आपके पर्सन एम बी सी एस से अपने काम को तो बहुत अच्छे से करते हैं ठीक है पूरे ऑनेस्टी के साथ और डिटर्मिनेशन uh, के साथ सो so, ये साथ अगर... साथ कुछ गाइडेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लाइक बहुत सारे लोगों का सपना होगा जो अभी हाल फिलहाल का जॉब का ड्रीम है वो जल्दी ही पूरा होने वाला है ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ओके उसके लिए आपने पूरा हार्डवर्क कर दिया है कर लिया है, सब कुछ हो गया है बस आपका रिजल्ट आना बाकी है तो वो चीज़ हो जाएगा ठीक है उसके बाद है वही आपके पर्सन का एज जो है ट्वेंटी फाइव से थर्टी फाइव के बीच में होगा ओके कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का अर्थ साइन हो सकता है टॉरस वर्गो कैपरिकॉन मतलब ये जो है नेचर लवर होंगे ठीक है इनको नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा इस पर्सन के जो रोल मॉडल कौन होंगे मार्गदर्शक कौन होंगे इनके खुद के फादर ही होंगे ठीक है जो कि एक काफ़ी हायर पोजिशन पर होंगे इस पर्सन फादर के पास अथॉरिटी होगी जज वगैरह हो सकते हैं ठीक है और ये जो खुद पर्सन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मतलब कि बहुत डाउन टू अर्थ होंगे ठीक है काफी मतलब पर्सनैलिटी आप देखो उस पर्सन की इतनी अच्छी है पॉजिटिव है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे लोगों की दो चार बात सुन भी लेते होंगे कि क्योंकि ये जो पर्सन है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के बात से ये बात है एक्चुअली में जवाब तो ये दे सकते हैं क्योंकि काफ़ी पर्सनैलिटी इनकी डिफरेंट है स्ट्रांग है और जवाब देंगे तो वो भी काफ़ी डिफरेंट होगा लेकिन इनका हर एक वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है इसलिए बोलते नहीं और ऐसे पालतू लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं ठीक है सो वर्गो है अच्छी बात है कैप्टी है काफ़ी हार्ड वर्क होगा ठीक है हार्ड वर्क करने वाले होंगे सो ये तीनों में से अगर कुछ भी है तो बहुत बेस्ट है टॉरस है तो नेचर लविंग ये पर्सन होंगे ठीक है अब यहाँ पे जो आपके कार्ड्स आए हैं वो आपके क्या मैसेजेस दे रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ सो so, यहाँ पे जो आपका स्ट्रेंथिंग बाउंड का कार्ड आया है इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो बाउंडिंग होगी आप दोनों के बीच की जो बाउंडिंग होगी मैरिड लाइफ में वो काफ़ी अच्छी रहेगी और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और मेच्योर बनती जाएगी कभी आप ऐसा होगा कि हो सकता है लाइफ में मैरिड लाइफ में कभी अकेला सा फील करूँ हो सकता है ये पर्सन कभी बाहर जाए वर्क के लिए तो आप ऐसा फ़ील कर सकते हो ठीक है और यहाँ पे जो कार्ड है एम्प्रेस का इससे ये पता चल रहा है कि आपने जो कुछ भी सपना देखा है देख रखा है अपने मैरिड लाइफ के लिए वो सारा ही आपका सपना पूरा होगा ठीक है साथ साथ आपका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करेगा ठीक है फ्लोरिश करेगा बढ़ते जाएगा ग्रो करते जाएगा ठीक है यहाँ पे है ट्रस्ट आप जो है अपने पर्सन पे पूरी तरह ट्रस्ट कर सकते हो ट्रस्ट वर्दी है साथ साथ ये पर्सन बैलेंस भी रखेंगे आपको भी पूरी कोशिश लगाए रखनी होगी कि आप भी बैलेंस रखो ठीक है अपने रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी होगा क्योंकि एंजल्स यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं और एनर्जी जो है प्यार की वो बहुत ज़्यादा हाई होगी ठीक है बहुत ज़्यादा हाई होगी उसके बाद जो है इस रिलेशनशिप में मैरिड लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा शाइन करोगे और काफ़ी ज़्यादा डेवलप करोगे ठीक है बस आपको जो है यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है अपने पर्सन को हमेशा सुनना इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ओके okay, सो so यहाँ पे जो है कुछ चक्र आए हैं लाइक बेस चक्र क्राउन चक्र सैक्रल चक्र ओके सो ये है जो आपके लिए गाइडेंस दे रही है ये जी है ये चीज़ जो है ना इसलिए आई है क्योंकि ये जो आपका है बेस चक्र ग्राउंड चक्र और सैकल चक्र ये आपका बैलेंस नहीं है इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है उथल फुतल सी चल रही हैं तो उसको कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ सो so आप यहाँ पे जो अपना पहला बेस चक्र देख रहे हो इससे मैं बता देती हूँ इसको रूट चक्र भी कहा जाता है ये जो एनर्जी होती है वो हमारे सेंटर में होती है ठीक है सो ये एनर्जी जो है स्पाइन में बसी होती है रीढ़ की हड्डी आप जानते हो तो उसे आप इस चक्र को बैलेंस करना चाहते हो ठीक है तो आपको क्या करना होगा मैं बता देती हूँ कुछ एक्सरसाइजेस है ठीक है पहले मैं बताती हूँ ये जो है फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है आपके मनी इशू से रिलेटेड है ठीक से है सेफ्टी से रिलेटेड है और शेल्टर से रिलेटेड है ठीक है आपके घर से रिलेटेड है सो तो आप अपने घर को अच्छा रखना चाहते हो अपने बॉडी को अच्छा रखना चाहते हो और फाइनेंशियल कभी क्राइसिस फेस नहीं करना चाहते तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे लाइक like, आपको जो है ना खुद को मूव करवाना है ठीक है बस यही एक्सरसाइज है कि आपको खुद को मूव करवाना है या तो आप डांस करो या वॉक करो या कहीं घूमो या गार्डन का कुछ काम कर लो लेकिन या एक्सरसाइज कर लो या जिम ज्वाइन कर लो लेकिन ये आपको करना है अगर आपने वेस्ट चक्र को क्या करना चाहते हो हमेशा एक्टिव रखना चाहते हो ठीक है जिस तरह से आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेटे हुए हो लेटे हुए हो तो या फिर बैठे हुए हो ठीक है बहुत देरी से कंटिन्यूसली तो आपके रीढ़ के हड्डी में दर्द हो ही जाएगा ठीक है लेटे हुए हो तो भी एक अकड़न सी अजीब सी आ जाएगी इसलिए आपको अपने बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए ठीक है आपको क्या करना होगा एक्सरसाइज तो करना होगा या फिर अपने बॉडी को बहुत मूव करवाना होगा या फिर आप साइकिलिंग वगैरह कर सकते हो ठीक है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे है आपका सैकड़ चक्र इसको हमें सेकेंड चक्र भी कहते हैं ये जो है आपके नेवल होते हैं जो नाभि होते हैं उसके जस्ट दो तो नीचे दो उंगली नीचे होते हैं ठीक है ठीके? ये आपके इमोशन डिज़ायर क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी से रिलेटेड होते हैं ठीक है ठीके? तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए और अपने जो भी इन सारी चीज़ों में अगर रोड़ा आता है प्रॉब्लम आता है उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है ठीक है सो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो है एक ऑरेंज बॉल इमेजिन करना है ठीक है जैसे ये कोई बॉल है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है जिस तरह से आप देख रहे हो ये पर्सन है इसके पीछे यहाँ पे जो ये पर्सन है ये आप बॉल देख रहे हो यू कैन सी हियर ये जो बॉल है इस तरह का बॉल आपको इमेजिन करना है ठीक है इमेजिन ऐसे करना है कि आप लेटे हो या फिर बैठे हुए हो ठीक है आँख बंद करके और इस बॉल को अपने पेट में बेली के एरिया में इमेजिन करना है कि वो आपके पेट में वो घूम रहा है ठीक है स्पाइन स्पिनिंग कर रहा है घूम रहा है स्पार्कलिंग कर रहा है चमक भी रहा है ओके और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो और ये भी फील करते जाना कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हो ग्रो करते जा रहे हो और वो जो बॉल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और फिर एट लास्ट वो बॉल यूनिवर्स में चला जाता है ऐसा आपको फ़ील करना है ठीक है इससे काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में क्या आएगा जॉय पैशन ठीक है और लव को भी आप अट्रैक्ट करोगे ठीक है लोगों से प्यार करना सीखोगे चाहे वो जानवर हो या फिर किसी भी चीज़ से प्यार करना सीखोगे ठीक है अपने पेरेंट्स से दूर रह गए तो पेरेंट्स को प्यार करोगे पार्टनर से दूर रहोगे तो पार्टनर को भी प्यार करोगे तो ये एक्सरसाइजेस है सेक्रल चक्र को एक्टिवेट करने के लिए और मेन यहाँ पे है क्राउन चक्र वो भी मैं आपको बताती हूँ क्राउन चक्र हाउ कैन यू एक्टिवेट दिस वन सो मैं बताती हूँ ये जो चक्र होती है वो हमारे हेड में होती है ठीक है सो आपको इसको कैसे इमेजिन करना है इसको द रिसीवर ऑफ लाइट भी कहा जाता है ठीक है सो so, इसको आपको इमेजिन बस ऐसे करना है आप ऐसा फील करना आपका जो हेड है उस पर एक लोटस का बर्ड है मतलब कि जब खिला हुआ बर्ड नहीं होता है लोटस बस बंधा हुआ ठीक है ऐसा बस लेकिन वो खिलता है तो बहुत सुंदर लगता है तो बस आप ऐसा इमेजिन करो कि वो बर्ड है ठीक है लेकिन अब आप जब आपके हेड पे आएगा तो वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है और उसमें से एक लाइट निकल रही है और वो यूनिवर्स की तरफ से आपके हेड में आ रही है और आपके बॉडी को हील कर रही है ठीक है आपके दिमाग को हील कर रही है और आपको इस्परिचुअली भी अवेकन कर रही है सो so, इस तरह का आपको इमेजिनेशन करना है ठीक है सो आप अपने बैले, बेस चक्र को क्राउन चक्र को सैक्रल चक्र को हील कर सकते हो ठीक है सो ये सारे कार्ड्स हम वापस रख देते हैं होप कि आपको समझ में आया होगा सो so, अब हम देखते हैं आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी थोड़ा सा कार्ड्स लेकर देख लेते हैं ओके okay, तो आप जो है आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिख रहा है और रहेगा भी ओके सोलमेट्स सो आप लोग कनेक्शन वाओ ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो ऐसा दिख रहा है मुझे फिर है गार्डन का कार्ड इट मीन्स आपकी लाइफ में हमेशा शांति रहेगी ये शांति का प्रतीक है ओके okay, ये जो आपके पार्टनर है डिवाइन फेमिनिन है आपके मतलब बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है ओके okay. वेट ये सारे कार्ड्स हम लेते हैं जिसमें आया है सोलमेट इट मीन्स आपके जो पर्सन है वो आपके सोलमेट है ठीक है बाउंड्रीज कभी कभी आपको लो फील हो सकता है जिस तरह से मैंने आपको बताया फीलिंग अलोन लेकिन हाँ आपकी लाइफ में अबंडेंस होगा वो चीज़ तो नॉर्मल है ना कभी कभी किसी किसी इंसान को फील हो ही जाता है लो ठीक है जब हम अपने फैमिली के बीच में होते हैं जहाँ हम जन्म लेते हैं तो वहाँ भी कभी हमें लो फील हो जाता है तो ये कौन सी बात है ठीक है लेकिन इस ये तो देखो कि आप इस पर्सन से प्यार मिल रहा है अवेयरनेस मिल रहा है और ये सबसे बड़ी बात की आपके यहाँ सोल मेट है ओके ओके ये पर्सन जो है आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और साथ साथ वोमेन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एंजॉय करना चाहेंगे टाइम स्पेंड करना चाहेंगे डेटिंग करना चाहेंगे ओके जो आप डिजर्व करते हो डेफ़िनेटली वो आपको मिलेगा ठीक है देखो इंटीमेसी इट मीन्स काफ़ी ज्यादा अट्रैक्ट है आपके तरफ ये पर्सन फिजिकली भी ओके मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली कनेक्ट है इंटेलेक्चुअल लेवल पे और इस फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है ठीक है आप तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो इस पर्सन को क्रिएटिविटी हो सकता है बहुत ज़्यादा आप लोग मिलकर अच्छे अच्छे काम करो ठीक है लाइफ का अच्छा अच्छा पर्पज बनाओ ठीक है तो so, ये बहुत बड़ी बात होगी लाइफ पर्पस बिल्कुल यहाँ पे आ गया लाइफ पर्पस भी कि आपके लाइफ का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बड़ा मोटिव बनते जाएगा बनते जाएगा पहले छोटे से शुरू सुरु, शुरुआत होगा कुछ ना कुछ ठीक है देन आगे बढ़ते जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग अपने लाइफ में एक साथ मिलकर करोगे और एक दूसरे को प्राउड भी फील करवाओगे ठीक है गार्डेनर जिस तरह से आपका गार्डन आया था आपकी लाइफ में शांति होगी उस तरह से ये गार्डनर से पता चलता है लाइफ में शांति लाने वाले कौन होंगे तो आपके पर्सन ठीक है ये नंग इट मीन्स टू इन फ्लेम बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं यहाँ पे ठीक है वैसे तो रेयर केस में होता है सो टू इन फ्लेम हो सकते हो काट आया तो ये पर्सन आपको हमेशा माफ़ करेंगे आपकी गलतियों पे क्योंकि आपसे हमेशा बहुत प्यार करते रहेंगे ठीक है इसलिए ये पर्सन माफ़ भी करेंगे प्यार नहीं होगा तो शायद माफ़ भी ना करें एक लास्ट हम गाइडेंस देखेंगे ये वाली ओके ओके आई विल टेक दिस वन ओके कंपैटिबिलिटी सो आपके बीच में क्या होगा जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो चीज़ सोच कर पेरेंट्स शादी करवाते हैं कि हमारे जाने के बाद कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहे जो इनका और हमारे बच्चों का ख्याल रखे बुढ़ापा में भी ठीक है जब वो बड़े हो जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ रहे अच्छे से ख्याल रखें तो बिल्कुल वही चीज़ आपकी लाइफ में भी होगा ये पर्सन आपके साथ बड़ा होना चाहते हैं बूढ़े होने चाहते हैं और आपके साथ पूरी लाइफ इन्जॉय करना चाहते हैं और डेफ़िनेटली करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और करेंगे भी ठीक है सो so, होप कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लग रही होगी सो so, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट भी करके बताइएगा कि क्या कमी लगी और क्या कुछ अच्छा लगा ठीक है एस पी नेम इनिशियल है यह सारे आपके पर्सन का डी वाई एफ आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यू सी हु विल यू मैरी पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं प्ले आप चेक कर सकते हो यहाँ पर टी भी आया है और साथ साथ आप करेंट फीलिंग्स पर भी बहुत सारी मैंने वीडियोज़ बनाई तो आप चेक आउट कर सकते हो प्ले लिस्ट में जाके ओके सो एम है देन हम लेते हैं क्यू एफ बी ई एच एम एफ डब्लू, देखो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों ने नहीं पर एक पर्सन ने कमेंट किया था मुझे कि आप बहुत सारे नेम इनिशियल दिए हो सो आपने मुझे बताओ कि नेम इनिशियल बहुत लो या कम लू क्योंकि कुछ लोग जो है कमेंट ये भी किया था कि आपको नेम इनिशियल ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि व्यूअर्स बहुत होते हैं सो ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बता के क्लियर कर देना ओके आई सी बी मुझे लगता है निमिनीशियल ज्यादा लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दैट्स वाई आप देख सकते हो एक्स ये सारे आपके निमिनीशियल हैं आपके पार्टनर के ठीक है आपके लिए एच जेड यू सी एच क्यू जे वाई ए के जेड बी एक लास्ट लेंगे उसमें ये सारे आ गए ई डी जे एम सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हैं फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है कब तक शादी होगी आपके पर्सन से आपकी वो हम देखते हैं Seven months, nineteen months, eighteen months, twenty three months, twenty seven months, very soon, wow, thirty months, five weeks, nine months, six months, four months, okay, eleven months, two years. सिक्सटीन मंथ्स ट्वेंटी वन मंथ्स सिक्सटीन मंथ्स सो हम ये सारे लेंगे लाइक थ्री इयर्स है फाइव मंथ्स है टू ईयर है फोर ईयर है टू ईयर एट मंथ्स सो ये सारे टाइमिंग है जितना लग सकता है आपकी शादी में ठीक है सो लेट्स सी कि आपके पर्सन कहाँ के हो सकते हैं ठीक है ठेके? छत्तीसगढ़ पोलैंड यूएसए तुर्की आंध्र प्रदेश क्यूबा ब्राजील स्पेन सेम कंट्री ओके जापान ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया ओके नॉर्थ अमेरिका सेम डिस्ट्रिक्ट के होंगे या तो बहुत बाहर के होंगे या फिर सेम ही जगह के हो सकते हैं अर्जेंटीना इंडिया के ओके मणिपुर, उड़ीसा मेघालय सॉरी नागालैंड इट्स नागालैंड नागालैंड ओके अरब उत्तर प्रदेश मिजोरम ग्रीस एक लास्ट देखेंगे गोवा ओके okay, सो so ये सारे प्लेसेस है चांसेस है कि आपके पर्सन यहाँ के हो सकते हैं ठीक है सो so एक जो है अब देखना है हमें आपके पर्सन का प्रोफेशन मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट हीलर डेफिनेटली सिविल सर्वेंट आई आईपीएस एस आई ऑफिसर डॉक्टर पेंटर हीलर है हो सकता है कि डॉक्टर होंगे ठीक है पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं आपके पर्सन शायद मैंने बोला भी था आपको एडवोकेट साइकोलॉजिस्ट योगा इंस्ट्रक्टर अकाउंटेंट ग्राफिक डिज़ाइनर जज डॉक्टर मॉडल डॉक्टर के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे नर्स बैरिस्टर ओके ब्यूटिशियन मजिशियन ओके म्यूजिक कंपोज़र ब्लॉगर प्रोफेसर डॉक्टर अगेन, ओके इंजीनियर एक लास्ट हम लेंगे वो है ओके मेडल हेल्थ काउंसलर टीचर और ट्यूटर सो so ये सारे प्रोफेशन है आपके पर्सन के और एक लास्ट चीज है जो हम देखना चाहेंगे वो है आपके पर्सन का लुक्स एंड नेचर ठीक है एथलेटिक्स क्यूटी पाई स्पोर्ट्स चेहरे पे होगा इस पर्सन का शॉर्ट हेयर गुड लुकिंग होंगे आपके पर्सन वंडरफुल हम्बल होंगे नेचर के आलमंड आई सोशल वाले पर्सन है ठीक है मीडियम हाइट है सेंसिटिव है हाँ सेंसिटिव सोल है इस पर्सन का फेयर ग्लोरियस फ्रिकलेस ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर मस्क्यूलर अच्छी पर्सनालिटी होगी रिग्रेटफुल कभी गलती करेंगे तो आपसे माफ़ी खुद ही मांगेंगे झुकेंगे आपके सामने मार्बलस डाउन टर्न आई टैन सावले हो सकते हैं पेपर्सन मॉडर्न होंगे फुल लिप्स एट्रैक्टिव ब्लॉन्ड हेयर डार्क आईस ग्रे आईस ओके पॉइंटेड नोज़ ब्यूटीफुल बिग आईस लॉन्ग हेयर ब्राउन हेयर कलर क्रूब्ड लिप्स कर्ड लिप्स ओके सो सॉफ़्ट हार्टेड पर्सन है फ्लेक्सिबल है हेल्पफुल है थोड़ा सा हम और देख लेते हैं उसके बाद इसे हम छोड़ देंगे केयरिंग है इसलिए मैं लेती हूँ ताकि आपको आपके डाउट्स क्लियर हो सके लाइट है कुछ लोगों के लिए गोरे हैं टॉल है फिल्म है, है ब्लैक हेयर कलर टॉल एलिगेंट डाउन टू अर्थ नेचर के बहुत अच्छे हैं घमंडी नहीं है स्मॉल आइज एक लास्ट हम लेते हैं इतने ज़रा आगे, चलो हम्बल है हम्बल आप देख सकते हो टोकेटिव है ये तो मैंने बताया आपको शाही है ये भी बताया और ईगो है ओके सो तो ये सारे जो है आपकी पर्सन के नेचर और लुक्स के लिए आए हैं ठीक है सो तो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियोज़ को और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जी मेल लिस्ट मैंने दे रखा है ओके सो so, होप कि आपको आपकी रीडिंग अच्छे से समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो आ, कमेंट ज़रूर कीजिए ठीक है मैं जानना चाहती हूँ कि कैसी होती है रीडिंग तो अगर कुछ गलती होती है तो उसमें सुधार भी ज़रूर लाऊंगी ना वो भी तो होना चाहिए सुधार भी तो होना चाहिए ठीक है so, सो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना ओके अगर गुस्सा होने का मन होगा तो गुस्सा भी हो सकते हो आप लोग का पूरा हक़ है सो so, यहाँ पे जो है अब मुझे चलना चाहिए अपना ध्यान रखिए अपना केयर कीजिए जो गाइडेंस है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा सो so, चलिए यहाँ पे रीडिंग खत्म होती है तब तक लिए बाय एंड टेक केयर